हाय 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 एवरीवन। इज माय वीडियो क्लियर? कीप द वॉल्यूम लो। मेरा वीडियो क्लियर है क्या? आवाज और वीडियो दोनों प्लीज कंफर्म। हेलो, नो कमेंट्स, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, ओके अच्छा ओके। अभी हाँ, आज क्या बन रहा है? क्लियर क्लियर बनीश्री, थैंक यू सो मच। आज क्या बन रहा है? बना रहे हो? आज हम लोग बना रहे हैं स्क्रैच से वेनिला स्पंज, ठीक है। और आज मैं आपके साथ है ना, ये ओवन का भी थर्मोमीटर का शेयर करने वाली हूँ कि थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, ओवन थर्मोमीटर के बारे में, ठीक है। लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन फास्ट और फिर हम लोग शुरू करते हैं। थेलमा, थैंक यू सो मच थेलमा, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए बाकी ग्रुप्स में सो दैट पीपल कैन ज्वाइन फास्ट और आप सभी का टाइम सेव हो। वॉइस नहीं आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर, साउंड थोड़ा कम है। एक सेकेंड, कल भी सब लोग बोल रहे थे बट व्हेन आई चेक बैक द वीडियो वो सही था साउंड, तो उसमें यहाँ पे साउंड का, एक सेकेंड ना मुझे सेटिंग्स देख ली। आवाज इज क्लियर, साउंड नहीं अभी तो ये। प्रीति जी, प्रीति पंजाबी, हेलो गुड आफ्टरनून। ओके, आज हम लोग है ना स्क्रैच से स्पंज बना रहे हैं, क्लियर। तो आप लोग है ना, आपका साउंड का ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपके फ़ोन में वॉल्यूम डाउन होता है ना। यू थिंक कि हमारे वहाँ से प्रॉब्लम है बट आपके फ़ोन का सेटिंग चेक कीजिए, क्योंकि कल भी बोल रहे थे फिर जब वीडियो देखा तो इट वाज ऑल क्लियर, कल वीडियो पूरा क्लियर था। मीनू जी हाय, हाय मैम कैसी हो आप? मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। देखो आपने याद करा दिया, अब ये आयरा ने याद कराया है तो सब लोग एक एक लाइक दबा दीजिए पहले हम स्टार्ट करें उसके पहले। और दो मिनट हम वेट कर रहे हैं ना, तब तक आप लोग एक लाइक का बटन दबा दीजिए। श्रीनिवास जी हेलो, मेरा फुल वॉल्यूम है, ओके। मे बी सम अदर प्रॉब्लम, आप सेटिंग्स में मीडिया चेक करिए, मीडिया सेक्शन में सेटिंग्स चेंज चेक करिए जी। सब लोग लाइक करो प्लीज, यस यस, आयरा आयरा की बात मानो और सब लोग लाइक करो, चलो फटाफट। ओके तो आज मेरा ये टेबल क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म कीजिए टेबल क्लियर है। टेबल क्लियर, ऐसा कुछ लिख के लिखिए तो समझ में आएगा। आज क्या बना? बताती हूँ हर्षा जी, ठीक है, क्लियर है टेबल, ओके फाइन फाइन। तो आज हम लोग है ना, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने बहुत बार बोला भी है कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, फिर भी बोल रहे हैं कि स्क्रैच से केक बनाइए। तो आज मैं सोच रही थी कि स्क्रैच से आपको वेनिला केक स्पंज बनाना सिखाती हूँ, और अगर टाइम मिला तो फिर उसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं वो भी आज मैं ट्राई करूँ। वैसे मैं तुरंत का तुरंत बनाना इतना प्रिफर नहीं करती, बट काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि केक आगे से बनाते हैं फिर दूसरे दिन बताते हैं तो डिफरेंट होगा, ऐसा समझते हैं कुछ लोग, इसलिए फिर हमने सोचा कि आज का आज ही स्क्रैच से पहले बनाते हैं और फिर उसी को हम डेकोरेट भी करना सिखाएंगे। सिंपल डिज़ाइन, कोई उसमें टेक्निक या फिर कोई नई टेक्निक वाली डिज़ाइन हम नहीं सीखेंगे, सिंपल डिज़ाइन सिखाएंगे बट विद द सेम स्पंज जो हम आज बनाएंगे उसी से। तो उसके लिए मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम जो मिलेगा ना, उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि हम लोग व्हिपिंग क्रीम को कैसे व्हिप करते हैं परफेक्टली स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही ये एजेंडा जैसा है कि ऐसा करेंगे, देखते हैं टाइम कितना हमें जाता है इसके लिए। तो हम लोग विद और हाँ, और एक दूसरा एक आज सिखाना था मुझे
ओवन में थर्मामीटर जो आता है, ओवन थर्मामीटर, वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेना तो है पर पता नहीं है कि उनका यूज़ कैसे करें या फिर किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है ओवन में। तो वो भी मैं आज आपके सामने इधर में ओवन भी लेके आई हूँ, इसलिए आपको भी दिखाई दे, आपको मैं यहाँ से उसका टेम्परेचर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वो सेट होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी, कोई ऑर्डर नहीं है आज का मेरा, इसलिए छोटा सा केक बना रही हूँ। 500 ग्राम केक के लिए हम स्पंज बना रहे हैं। ठीक है, हम 500 ग्राम का स्पंज नहीं बना रहे हैं, हम 500 ग्राम केक बनेगी उसके लिए हम स्पंज बना रहे हैं। तो आपका जब भी केक का रेशियो आप बनाओ ना, वनीला केक या कोई भी केक का रेशियो, तो आपको रेशियो क्या रखना होता है, 50% to 60% केक। मतलब कि आपका केक स्पंज जो होता है वो, जैसे कि 500 ग्राम बनाना है तो एटलीस्ट आपका 250 ग्राम का स्पंज होना चाहिए, या फिर 240 भी चलता है, 260 तक भी चलता है, 270 तक भी चलता है। मतलब कि 50% से लेके 60% तक ओके, आपको आपका केक स्पंज रखना है, और बाकी के परसेंटेज में 10% to 20% आएगा आपका वाटर कंटेंट जो आप सोकिंग के लिए यूज़ करते हो, और बाकी का जो भी 30% या 40% बचता है ना, वो आएगा आपका क्रीम। ठीक है, तो इस तरह से हम केक के रेशियो को डिवाइड करते हैं। तो अगर इस तरह से आप कैलकुलेट करके केक बनाओगे ना, तो आपका केक कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। बहुत सारे होम बेकर्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि 1 किलो का केक था लेकिन 1400 ग्राम चला गया, 1500 चला गया। तो उनका एक तो एक्स्ट्रा सामान जाता है, एक्स्ट्रा केक जाता है, और ऊपर से उनको पैसे मांगने में भी थोड़ा डर लगता है कि अगर ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो क्लाइंट चला जाएगा, या फिर क्लाइंट को ऐसे ही दे देना पड़ता है, तो वहाँ पर भी उनको नुकसान ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि एग्जैक्टली एक आपको प्रपोर्शन दिखा दे कि किस तरह से हम स्पंज का डिविजन करते हैं, किस तरह से स्पंज को हम डिवाइड करते हैं केक को, ताकि आपको उसका रेशियो मालूम हो जाए। ठीक है, तो हमें 500 ग्राम केक जो बनानी है ना, उसके लिए 50% मतलब अराउंड 250 ग्राम का हमें स्पंज चाहिए, केक स्पंज। तो हमारा 250 ग्राम का जो स्पंज है ना, वो हमारा ऑलमोस्ट 1 कप आटे से बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, कौन है, किसका क्वेश्चन है ये? सिमरन जी, आई नेवर यूज प्रीमिक्स, तो मुझे प्रीमिक्स के ऊपर लिखा होगा, उनके प्रीमिक्स का जो पैकेट आप लाते हो ना, उसके ऊपर उसका प्रपोर्शन लिखा होगा कि आपको इतने केक के लिए, अगर ज़्यादा केक के लिए लिखा है, सपोज 5 किलो के लिए लिखा है ना, तो फिर आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू 1 kg। आपको उसको 5 से या कहीं से डिवाइड करके फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे प्रीमिक्स के बारे में पता नहीं है। मैं हमेशा मेरे सारे के सारे केक्स जो है ना, वो स्क्रैच से बनाती हूँ, और इसलिए मैं आज आपके लिए वनीला का स्क्रैच का जो मैं यूज़ करती हूँ, वो वाला स्पंज का रेसिपी लेके आई हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे ना, अब वाटर कंटेंट जो होता है ना हमारे केक में, वो हमें लेना होता है, जैसे कि आप जितना वाटर लेते हो उतना आपको शुगर का कंटेंट लेना है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट जो मेरा, और अगर आप कप से लेते हो तो आपका कंटेंट डिफरेंट आएगा, अगर आप मेजर करके लेते हो, वे करके, तो भी आपका डिफरेंट आएगा। तो आपको कौन सा वाला रेसिपी लेना है वो आपको पहले डिसाइड करना है। अगर आप कप से जाते हो, मैं नॉर्मली कप से जाती हूँ, मुझे कप वाला इजी पड़ता है, लेकिन अगर आपको बहुत प्रिसाइजली मेजर करके लेना है, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके रखा है, तो डोंट वरी, उसको कन्वर्ट कर बोलते बोलते मैं बताऊँगी, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारा वीडियो एंड होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसे अपडेट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो डोंट वरी, बीच बीच में आप पूछते मत रहना कि ग्राम में बताइए, ग्राम में बताइए, मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है तो मैं बताऊंगी, लेकिन इनकेस आपको नोट डाउन करना छूट जाता है, तो बाद में जाके भी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे सारे इंस्ट्रक्शन अभी तक ये क्लियर है। अभी तक किसी को कुछ और डाउट है क्या? तो हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं ना, उसमें मैं ले रही हूँ 250 ग्राम स्पंज हमारा बनेगा अराउंड, ओके, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही, क्योंकि देखिए कप्स जो होते हैं ना, ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ में आते हैं। कोई कोई कप्स आते हैं 200 ml के या फिर 200 ग्राम के आते हैं, कोई आते हैं 240 ml के, और कोई आते हैं 250 ml के। तो ये वाला मेरा जो है ये 250 ml का है, तो अगर आप इससे मेजर करोगे तो 10-15 ग्राम का डिफरेंस आएगा, और अगर आप 240 वाला कप ले रहे हो तो उसमें भी 10-15 ग्राम का डिफरेंस आएगा। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी ग्राम
ग्राम में वो है 250 ग्राम के अकॉर्डिंग. ओके, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. क्लासेस भी है प्लीज एंड में बताना. सिमरन जी, मैं यहीं पे क्लास लेती हूँ, मैं और कोई क्लास नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पर ही क्लास लेती हूँ. तो ऐसा कुछ बताने जैसा है ही नहीं अभी उसके लिए, तो कभी करूँगी तो आपको फ्यूचर में इन्फॉर्म करूँगी. तो ये है हमारे जो बेसिक से नॉर्मल कप्स मिल जाते हैं ना ईजिली, वो वाले हैं. और ये वाले आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना है, इसको कहते हैं मेजरिंग स्पून्स. तो मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं. स्टैंडर्ड मतलब आइदर सारे जो 250 ग्राम के अकॉर्डिंग होंगे या फिर 240 ग्राम के अकॉर्डिंग होंगे. कुछ आते हैं, एक तीसरा कप मेरे पास है वो 200 ml का भी है. ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि आप अगर ग्राम से ले रहे हैं तो मेरा वाला कप आज का जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 250 ग्राम का, 250 ml का. ठीक है, अब मुझे लेना है उसके लिए आधा कप. जो 250 ml वाला कप है उसका आधा कप भर के मैंने लिया है पानी, ये वाला. अगर आपके पास मेजरिंग नहीं है ना तो इस तरह का ग्लास आता है, इस पर भी देखिए मार्किंग दिया हुआ है. तो ये एक ग्लास है, उसके अंदर अलग अलग मार्किंग है, जैसे कि शुगर के लिए अलग मार्किंग है यहाँ पे, फिर रवा के लिए है, लीटर्स मतलब कि अगर आप लिक्विड्स मार्किंग कर रहे हो ना तो उसके लिए अलग कंपार्टमेंट है. तो वहाँ पे डार्क एंड लाइट शेड किया हुआ है, तो वहाँ पे नंबरिंग भी लिखे हैं. तो आप ये वाला ग्लास भी अगर ला दोगे तो भी इनफ है आपके लिए, लेकिन एक ग्लास में आप वेट और ड्राई दोनों करने जाओगे तो आपको मुश्किल आएगा. ठीक है, तो मैंने आज आधा कप लिया है पानी, इतना देखिए एग्जैक्टली हाफ कप वाटर है ये. और मैंने इसको डाला इसके सॉरी मुझे लेना था, मैं चॉकलेट केक की रेसिपी के साथ मैंने मिक्स कर दिया. मेरी चॉकलेट केक की जो रेसिपी है ना वो होती है पानी के साथ, मैं दूध लेके आती हूँ, मैं दूध भूल गई, जस्ट अ सेकंड है ना. मुझे आज ओवन सेट करना था ना इसलिए तब तक मैं आपके साथ ओवन की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ओवन को भी हमें चालू करने में एटलीस्ट 20 मिनट लगेंगे. तो मैं मेरे हस्बैंड को बताती हूँ, तब तक हम क्या करते हैं ओवन के बारे में बात कर लेते हैं, रेसिपी हम शुरू करते हैं. सॉरी हम इस बात के लिए. तो ये है ओवन थर्मोमीटर, ठीक है, और ये है ओवन के अंदर जाता है, मतलब कि डरने की बात नहीं है, ये सीधा ओवन के अंदर ही रहता है. जब तक ये ओवन गर्म होता है, आपका पूरा केक बेक होता है, तब तक आप इसे ओवन के अंदर रख सकते हो. ठीक है, अब ये जो आता है ना इसके अंदर, अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो इसके अंदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो तरह के नंबर्स लिखे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग फ़ारेनहाइट पे जाते हैं और हमारे वहाँ हम लोग सेल्सियस में गिनती करते हैं डिग्रीज का. ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग ने दिए हुए हैं बाहर की तरफ, अपने रेसिपीज में पढ़ा होगा 350 फ़ारेनहाइट और 180 सेंटीग्रेड. ठीक है, तो ये होता है 350 फॉरेन पीपल का टेम्परेचर, जो इक्वल टू 180 सेंटीग्रेड होता है इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं उन्होंने, यहाँ से दिखा अगर मैं देखूँ तो, सॉरी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 50, 100, 150, 200 जो अंदर की साइड पे जो छोटे मार्किंग है वो नंबरिंग है सेंटीग्रेड के, और बाहर के बाहर के लाइन में अप टू कहाँ तक है ये, जस्ट अ सेकंड, 500 तक है, वो है फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो ये उन्होंने मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पे रेड से लेके ब्लू कलर का भी है कि अगर रेड तक जाता है मतलब कि आपका टेम्परेचर बहुत हाई है. आपको अगर ये जो सुई है ना उसके अंदर की अगर वो ऊपर दिखाई दे, दैट मीन्स कि आपका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ब्लू आने तक वो सेफ है. अब इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में 180 है, तो मोस्ट ऑफ आर रेसिपीज आर बेक्ड ऑन 180, मोस्ट ऑफ द केक्स आर बेक्ड ऑन 180. तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो सुई है ना वो 180 या फिर उसके आसपास आए, अगर 170 पे भी आएगा तो भी आपका केक अच्छे से बेक होगा. बट अगर आप ओवन में सिर्फ हाथ डाल के चेक करोगे या फिर ओवन खोल के 5 मिनट के बाद चेक करोगे तो ओवन ऑब्वियसली गर्म होगा, लेकिन वो कितनी डिग्री पे पहुंचा है वो आपको पता नहीं चलेगा. तो इसके लिए अगर आप एक ओवन थर्मोमीटर में इन्वेस्ट कर देते हो ना तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू टू नो द करेक्ट टेम्परेचर. ठीक है, तो हम लोग ओवन को डाडा आई नीड मिल्क और एल्स गेट बटर मिल्क. ठीक है, तो ये ओवन थर्मोमीटर हम यूज करते हैं ओवन के अंदर. अब मुझे इसका वायर को सेट करना पड़ेगा.
लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि चलो, मुझे एक क्वेश्चन आया था हमारे ग्रुप में से फ्रेंड का कि कितना रखूँ ओवन थर्मोमीटर वगैरह, तो मैंने बोला ठीक है चलो आज मैं वही आपको क्लास में सिखा दूंगी, ठीक है। I need a hot pot. ओके, तो यहाँ पे ओवन मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई नीड ओवन का ग्रिल ट्रे और द ब्लैक ट्रे, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ओवन को जब खाली करके अंदर लाए ना तो मैंने पूरा ट्रे वे सब निकाल दिया था, तो जल्दी जल्दी में बाहर से लाना भूल गए हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को ये ओवन थर्मोमीटर यूज करना आता है? ये ओवन का ट्रे मैं इसको डाल रही हूँ। अब ओवन में देखिए, आपको अभी मैं दिखाती हूँ, गर्म हो जाएगा नहीं तो। इसके अंदर है ना इस तरह से, आपको दिख रहा होगा शायद, 1, 2, 3 और 4 फोर स्लॉट्स आते हैं। मैं उसको क्या करती हूँ ना, यहाँ पे सेकेंड वाले स्लॉट पे, बिल्कुल रॉड के नीचे भी नहीं और रॉड से एक स्लॉट ऊपर मैं हमारे ट्रे को हमेशा रखती हूँ। ये मेरा मिडल रैक है, आपको चाहे तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन कभी अगर आपको किसी चीज़ में ब्राउनिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको अगर ब्रेड्स वगैरह बनाने हैं और ब्रेड को ऊपर से ब्राउनिंग चाहिए, तो उसको आपको ऊपर के स्लॉट में रखना है, मतलब कि सेकेंड फ्रॉम टॉप, ठीक है। लेकिन अगर आपको केक वगैरह बेक करना है और आप चाहते हो कि ऊपर के रॉड का हीट बहुत ज़्यादा आपके केक के सरफेस पे ना आए, तो आपको उसे नीचे से सेकेंड रॉड पे रखना है, सेकेंड स्लॉट में रखना है, ठीक है। अब मैं मेरा जो ओवन जो होता है, एक्चुअली ये जो ओवन थर्मोमीटर होता है वो ऐसे रखते हैं बीच में, लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, इस तरह से इसको साइड में कहीं पे रख सकते हैं, या फिर जब हम ग्रिल यूज़ करते हैं ना जो जाली वाला आता है, तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से लटका देती हूँ, हमेशा मेरा वहीं पे लटका रहता है। लेकिन आज हमने ट्रे डाला हुआ है तो मैं ट्रे के अंदर डालती हूँ। अब मैंने मेरा जो ओवन का ये नॉब आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आई थिंक यू कैन सी दैट। अगर आपको ओवन का ये नॉब दिख रहा है, हाँ, तो ये अभी मैंने डाला है बिल्कुल लोएस्ट पे, क्योंकि कल मैंने फॉन्डेंट इसके अंदर डाला था ना सूखने के लिए, तो उसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 180 यहाँ सेंटर में 180 ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ आता है अगारो के ओवन में। अगर आपके ओवन में 150 और 200 दिया है, तो आपको कहीं पे जजमेंट लेके उसके बीच में उसे डालना होता है, क्योंकि 150 और 200 के बीच में आपको अंदाजे से सेटिंग करना होगा आपके 180 डिग्री का, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो 180 लिखा है ना, कहाँ पे है, ये बराबर सेंटर में है, वहाँ पे मैंने नॉब को डाल दिया है और अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली सीधा लाइन में आया है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, मतलब कि एटलीस्ट 10 मिनट्स के बाद आपको बताऊँगी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सही टेम्परेचर पे, थर्मोमीटर जो है सही टेम्परेचर पे पहुंचा कि नहीं, हमारा जो ओवन जो है वो 180 पे जा रहा है कि नहीं। हमें 10 मिनट्स लगेंगे, तो जब तक हमारे 10 मिनट्स होते हैं हम क्या करेंगे, हमारा बैटर रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैं बात कर रही थी हमारे रेशियो की, कि रेशियो किस तरह से होता है। तो आपका जो 500 ग्राम का केक जब बनाना है, तो 250 आप स्पंज बनाओगे तो वो आपका हो जाता है लगभग 1 कप में, 1 कप से भी थोड़ा कम लगता है, जैसे 3/4 कप जितना लगता है। लेकिन आप 1 कप का बनाओगे ना तो इट इज़ बेटर, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ऊपर का टॉप लेयर का थोड़ा सा अगर हार्ड हुआ है या फिर थोड़ा डोम आया है, तो आपको उसे निकालना पड़ता है, राइट। तो एग्जैक्टली आप 250 बनाने का अगर ट्राई करोगे ना, तो यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट प्रपोर्शन। इसलिए मैं आज जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ना, वो है 1 कप की रेसिपी, जिसमें आपको लगता है 1/2 कप ऑफ शुगर एंड 1/2 कप ऑफ मिल्क। लेकिन मिल्क को हमें उसके पहले कर्डल करना है, तो कर्डल करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा 1/2 कप ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर आपके पास मिल्क नहीं है और आप डायरेक्टली छाछ यूज़ करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास बटर मिल्क भी नहीं है घर में, और आपको अगर दही है आपके घर में, तो आप क्या कर सकते हो, जो बिल्कुल खट्टा ना हो वैसा वाला दही आपको आधा लेना है और आधा आपको उसमें डालना है पानी, तो वो हो जाएगा आपका घर का बना बटर मिल्क, ठीक है। अब तक मैं एक दो रेसिपीज देख लूँ, सॉरी आज क्या हो गया है,
बोथ रॉड्स ऑन है, यस मेरे बोथ द रॉड्स ऑन है. क्या हुआ इसको, जस्ट मेरा ओवन ऑफ क्यों हो गया. एंड यू नीड टू माइक्रोवेव. यहाँ पे मैं आधा कप दूध ले रही हूँ और उसे हमें गुनगुना करना है, तो मैं माइक्रोवेव में उसे 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के लिए गरम करके उसके अंदर हम डालेंगे विनेगर, ताकि वो हमारा होममेड बटर मिल्क बन जाए. ठीक है, अगर आपके पास बटर मिल्क रेडीमेड है तो प्लीज़ यूज़ बटर मिल्क ओनली रेडीमेड वाला, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है. और अगर बटर मिल्क नहीं है तो यू कैन यूज़ मिल्क एंड सॉरी कर्ड एंड वाटर टुगेदर. ठीक है, माइक लगाओ. इतना इतना कम है क्या मेरा वॉइस, लो वॉल्यूम. ओके मैं थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करूंगी. ठीक है, अभी ठीक है मेरा आवाज, अभी भी कम है क्या, तो मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे लगता है. अभी भी वॉइस कम है, वॉल्यूम इज ओके. ओके लिब्रेटा, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. तो जब तक मेरा दूध गर्म होके आता है ना, मैंने ये शुगर भी ले ली है, तो मैं शुगर का प्रपोर्शन आपको बता देती हूँ, मैंने शुगर कितना लिया है. ठीक है, दूध हमारा था हाफ कप, जो होता है 115 grams एज पर माय 250 ml कप. ठीक है, तो 115 ग्राम हमने लिया था दूध, और हाफ कप भर के ही मैंने वही कप भर के पहले से शुगर निकाल के रखी है, क्योंकि फिर शुगर वो गीले वाले कप में मैं नहीं डाल सकती थी, है ना. तो ये मेरी घर की पीसी हुई पाउडर्ड शुगर है, मतलब कि कोई कैस्टर शुगर या फिर वो दानेदार शुगर कोई नहीं है, ये नॉर्मल सा पाउडर्ड शुगर है जो मैंने घर पे ही पीस लिया है. ठीक है, ये मेरा दूध अभी वार्म होके आ गया है, जिसमें मैं डालूंगी हाफ अ टीस्पून ऑफ विनेगर. ठीक है, हाफ कप दूध है तो हाफ अ टीस्पून ऑफ विनेगर. बस अब 2 ही मिनट में ये वाला जो विनेगर है वो कर्डल होके, सॉरी दूध जो है वो कर्डल होके हमें बटर मिल्क दे देगा. ठीक है, अब मैंने छन्नी ले ली है और उसके अंदर हमें डालना है शुगर को छानना है, क्योंकि शुगर जो है ना पड़े पड़े उसके अंदर लम्ब्स आ जाते हैं. वाइट है तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये देखिए इस तरह के लम्ब्स आ जाते हैं. तो डोंट एवर ऐड शुगर विदाउट सीविंग. ठीक है, आपको उसे शुगर को थोड़ा सीव करके ही डालिए, अगर आपने ताज़ा ताज़ा पीसी है तो चलेगा. ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा कर्डल अभी हो गया है कर्ड, अब आपको दिखाती हूँ कैसे. देखिए उसमें से ऐसे छेद ये निकल रहा है ना, कर्ड कर्ड निकल रहा है, दिख रहा है. तो ये हमारा कर्डल हो चुका है, इसी के अंदर मैं बोल में ही डाल रही हूँ हमारा शुगर. ठीक है, ह्यूमिडिटी है ना, तो शुगर भी थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ती है और वो चिपकने लगती है और उसमें से गांठें पड़ने लगती है. ठीक है, तो हाफ कप शुगर हमारा था 90 ग्राम, 90 ग्राम्स मैंने लिया था शुगर, और 115 ग्राम्स मैंने लिया था लिक्विड. लिक्विड मतलब कि आइदर आप यूज़ कर रहे हैं पानी, तो लेकिन पानी हम ये रेसिपी में नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वेनीला केक है तो हम इसमें पानी नहीं यूज़ करते, हम इसमें दूध यूज़ करते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा शुगर और ये मिल्क जो हमने बटर मिल्क बनाया वो रेडी. अब इसमें जाएगा ऑयल, तो ऑयल हमें कितना डालना है, आपका जो 1/3 कप का मार्किंग आता है, 250 ml कप की बात कर रही हूँ, जो 1/3 कप का मार्किंग है उसमें 1/3 में आता है 60 ml, आपको लेना है 40 ml, मतलब कि 1/3 से कम आपको लेना है. आपको दिख रहा है उसका लेवल, मैंने 1/3 भर के नहीं लिया है, उससे कम लिया है. और जो हो जाता है टेबल स्पून्स के हिसाब से, 3 टेबल स्पून ये जो स्पून्स है ना उसके हिसाब से ये हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली स्पून हमें भर के लेनी है 3 टेबल स्पून. तो ये हो गया हमारा ऑयल. अब आपको क्या करना है, ये ऑयल आपने डाल दिया ना इसके अंदर है, आपको क्या करना है, जब तक आप ऑयल को मिलाते हो ना, आपने आपका कंटेनर रेडी करना था, राइट. तो कंटेनर हम सबसे पहले रेडी कर लेते हैं, बट अब मैंने ऑयल डाल दिया है, अब मैं क्या करूँगी, इसी कप को इसमें डाल के रख रही हूँ, ताकि जितना भी ऑयल अभी निकलना होगा वो इस कंटेनर में निकलेगा, हम उसी ऑयल को यूज़ करेंगे हमारे कंटेनर को ग्रीस करने के लिए. ये मैंने लिया हुआ है 5 इंच का एल्यूमिनियम का ये केक
15, ठीक है, ये 5 इंच का है, इसमें से छोटा सा केक बन जाएगा नॉर्मल साइज का। अगर आपको थोड़ा टॉल चाहिए लेकिन छोटा वाला केक चाहिए तो आप 4 इंच का भी उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारा मैंने उल्टा करके रख दिया है जब तक हम ऑयल, मिल्क और शुगर को मिलाते हैं। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिल गए, इसमें हम डालेंगे वेनिला भी। If not, then black dabba is there, black box. It may be a rich vanilla. Black box. Okay. ये हो गया। अभी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। मैं इसमें डाल रही हूँ और उसको थोड़ा सा फुला के फिर हम उसमें आटा भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आटे में भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि डालने के बाद हमें तुरंत डालना पड़ेगा, मुझे आपको दिखाना है इसका टेम्परेचर। तो मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, जब हम इसका टेम्परेचर देख लेंगे उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएंगे, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला, ठीक है, लिक्विड में ही डाल रही हूँ। इसके साथ आप चाहे तो ऑरेंज फ्लेवर भी मिला सकते हैं, कोई भी फ्रूटी फ्लेवर भी अगर आप वेनिला में डालते हो तो अच्छा टेस्ट करता है। आपको इसमें अगर पाइनएप्पल केक बनाना है तो पाइनएप्पल फ्लेवर भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। यह है बेसिक स्पंज केक। अगर आप इसको टी केक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर आप 2 टेबलस्पून तक इसका मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट कितना मिनट हुआ होगा, 5 मिनट्स हुआ होगा और ये पहुंच रहा है 140 के करीब, ये पहुंचा है 140 के करीब। देखिए अभी अगर हमारा बैटर रेडी हो जाता तो हम क्या करते, ओवन गर्म है चलो डाल दो, लेकिन अभी तक हमारा ओवन जो है वो टेम्परेचर पे नहीं आया है, ठीक है ना। इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए ओवन थर्मोमीटर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा टेम्परेचर कहाँ तक आया है, ठीक है। तो अभी भी ये ऊपर जा रहा है तो हम तो 2-3 मिनट और वेट कर लेंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ, मेरे आटे को सीव करके रख लेती हूँ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आप अगर डायरेक्टली छाछ में भी डालोगे ना तो भी अच्छा फ्रॉथ बनेगा। उसके बाद तुरंत आपको मिक्स कर देना है आपके आटे को और फिर फटाफट से आपके पोर कर देना है और आप उसको रेडी टू पुट इन योर ओवन, वो भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो हमने रखा था ना हमारा बर्तन, उसमें काफ़ी सारा ऑयल आ चुका है, ठीक है। तो ये हमें क्या हुआ, जो ऑयल से हम ग्रीस करते हैं उसमें अलग से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं आएगा आपके कंटेनर में। और ये हमारा जो है सब जगह पे ऑयल लग चुका है, इसी में से मैं एक चुटकी आटा निकाल देती हूँ। ये जो हमारा आटा है ना, बस एक चुटकी भर मैंने निकाल दिया और इसे ये लगाने के बाद आपको इसके अंदर हाथ नहीं लगाना है। देखिए अभी मुझे बिल्कुल भी डस्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इस पर चाहे तो आप पार्चमेंट पेपर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। नाउ हमने कितना आटा डाला था इसमें, 1 कप, तो 1 कप आटा हमने डाला है तो हमारा जाएगा 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से आधा हम डालते हैं बेकिंग सोडा, तो ये हो गया 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। नया पैकेट है ये, ठीक। तो जब भी आप स्पून को मेजर करो ना तो कभी भी इस तरह से हीप फुल नहीं लेना है, मतलब इसको पूरा भर के नहीं लेना है। ऑलवेज यू हैव टू लेवल योर स्पून, इस तरह से आपको लेवल करके ही लेना है। तो आप चाहे तो 3/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून तक भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और इसका आधा आपको लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो मेरे पास 1/2 टीस्पून जो था वो वेनिला वाला हो चुका है, इसलिए मैं 1/4 को 2 बार ले रही हूँ। तो ये है 1/4, जो होता है हाफ का आधा, इसलिए मैं उसको 2 बार ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/4 टीस्पून। चलिए हो गया है सब कुछ।
पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप मिला सकते हो, मैं नहीं मिलाती हूँ, उसमें डाल सकते हो, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग के लिए। अब सभी चीज़ों को आपको मिलाना है। अब देखिए हमारा जो टेम्परेचर है ना वो पहुंचा है 170 के करीब। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट सी नो व्हाट यू कैन सी इन योर फोन, और गिव मी योर फोन जस्ट अ मिनट। कहाँ पे है ओवन, दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, हाँ ऐसे आएगा, सॉरी। ये देखिए है ना, ये 170 है, क्योंकि अभी तक वो मिडल में नहीं पहुंचा है। जो थोड़ी देर बाद मिडल में आ जाएगा तो आपका 180 डिग्री पे ही आ जाएगा। तो इधर आप 170 पे भी आपके उसमें डाल सकते हैं, दिख रहा है, या फिर या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 180 तक आने का वेट कर सकते। जब तक हम उसको पोर करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे बैटर को हम पोर कर लेते हैं हमारे उसके अंदर, मोल्ड के अंदर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इन केस यू फाइंड कि आपका थोड़ा सा गाढ़ा है तो 1 से 2 टीस्पून आप उसमें मिल्क या पानी मिला सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड कि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है आपका बैटर, तो ही थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें 2 चम्मच जितना पानी डालूंगी। 1 अभी टेबल स्पून डाला है, देख लेते हैं कितना जाता है। क्योंकि आपके आटे का ये आटे के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एक तो लिक्विड क्वांटिटी, और दूसरा आपका आटा अगर ज़्यादा पुराना है ना तो भी वो ज़्यादा पानी सोख करेगा, तो इसलिए आपके आटे पे डिपेंड करेगा। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है आपका बैटर, ठीक है, आराम से गिर रहा है आपके स्पैचुला से। तो ये है सही कंसिस्टेंसी। मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा डाला है उसमें पानी, वो आप एडजस्ट कर सकते हो टेबल स्पून या टी स्पून के हिसाब से। तो अभी इसको हम वे कर लेते हैं कि हमारा बैटर कितना ग्राम बना है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है इसको जीरो। अगर आप इसका 3/4 कप लेते हैं तो आपको 260-270 ग्राम का ये मिल जाता, 280 ग्राम तक का आपका ये मिल जाता। हमारा हो चुका है 380 ग्राम का स्पंज, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कभी कभी हमें क्या होता है, ऊपर का टॉप लेयर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वी विल नॉट नीड दिस मच फॉर 500 ग्राम। बट ऊपर का अगर टॉप लेयर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्पंज बराबर से 280 ग्राम के करीब हो जाएगा, तो आपका 500 ग्राम का केक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है 390 ग्राम का स्पंज। ओके, अभी एग्जैक्टली 180 पे आ गया है, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द ओवन फॉर 35 to 40 मिनट्स। आपको नॉब के ऊपर देखना है 35 to 40 मिनट्स। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, अलार्म भी सेट करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग काम करते करते भूल जाते हैं, तो ज़्यादा ओवरवेक भी हो जाता है कभी। तो हमें क्या करना है, 30 मिनट्स का अलार्म सेट कर देना है, ताकि 30 मिनट्स पे आप चेक कर सको कि आपका केक का कंडीशन क्या है, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, अभी आज का आज तो मुझे नहीं लगता है कि उसका केक का डेकोरेशन भी होगा शायद, बट आई विल चेक जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे दूसरे 35 to 40 मिनट्स। यस सिमरन जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग डाउन द रेसिपी। थैंक यू श्वेता फॉर रिजॉल्विंग माई क्वेरी अबाउट ओवन। थैंक यू राशिका, आई एम हैप्पी दैट योर क्वेरी गॉट आंसर्ड। मैदा इन ग्राम, यस मैदा मेरा 250 ml का कप है ना, तो मैंने 140 ग्राम मैदा लिया है, क्योंकि मेरा अगर दूसरा कप मैं लेती 240 वाला, तो उसमें होता है 130
ग्राम। और मेरा दूसरा जो 250 सॉरी 200 ml का जो कप है ना, जो छोटा कप है, उसमें होता है तकरीबन 120 के आसपास का मेरा कप का ग्राम होता है। ठीक है, यस, हाफ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। हाँ मैं लेट हूँ, नहीं रजनी जी आप लेट नहीं हो। ठीक है, और मेरा ये एक ही रेसिपी नहीं है, देखिए आप कोई भी रेसिपी आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लिखा है बस वही रेसिपी को फॉलो कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लाइंट बोलता है मुझे स्पंज केक चाहिए लेकिन मुझे ऐसे ही खाना है, मतलब कि एज ए टी केक उनको खाना है। इस रेसिपी में आप क्या करोगे कि मैंने इसमें सिर्फ दूध से बनाया इसके रेसिपी को, इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर या कस्टर्ड पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम फ्लेवरिंग देने वाले हैं, हम इसके अंदर जो भी फ्लेवर चाहे वो हम उसमें डाल सकते हैं, उसके अंदर हम सोकिंग करने वाले हैं, तो ये केक अच्छा ही टेस्ट करेगा, ऑब्वियसली अच्छा टेस्ट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्लाइंट बोलता है कि हमें क्रीम वाला केक नहीं खाना है, हमें सिर्फ स्पंज खाना है, ऐसे ही मतलब कि एज अ स्पंज केक खाना है। तो जो एज अ स्पंज केक जो एग वाला बनता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एगलेस स्पंज केक को आपको अगर रिच टेस्ट देना है और आपको अगर ऐसा खाने के लिए देना है कि वो आप ऐसे ही अगर उसको खाओ तो भी मज़ा आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, उसके अंदर 2 tablespoon या 2 teaspoon तक का ये मिल्क पाउडर उसमें मिला सकते हो। मिल्क पाउडर क्या करेगा, आपके स्पंज को ना स्पंजी टेक्सचर देगा, जो हम हमारा एग काम करता है उस तरह का वो काम करेगा, और ऊपर से उसके टेक्सचर को एक रिचनेस देगा। ओके, आपके स्पंज को बहुत ही टेस्टी और रिच बनाएगा। तो आप चाहे तो इस रेसिपी में भी डाल सकते हो, मैं ऐसा मुझे कभी मन करता है तो मेरे पास अगर मिल्क पाउडर है अवेलेबल तो मैं इस रेसिपी में भी डाल देती हूँ। तो मैं आपको वही सिखा रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली मैंने इतना बोला है तो इतना डालिए, नहीं, आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहिए। मैं हमेशा करती हूँ कि अगर चलो मुझे लगा कि आज का केक में मुझे ये डालना है तो ट्राई करके देखती हूँ, छोटा सा क्वांटिटी बनाइए, कुछ होगा तो कोई नहीं, आपको एक ट्रायल से पता चलेगा कि इस रेसिपी में ये ट्विक करने से हमें ये वाला रिजल्ट मिला। ठीक है, क्या है ये शिवानी जी, सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यस थैंक यू सो मच लाइव के बाद, हाँ मैं आज डिस्क्रिप्शन में डालूंगी क्योंकि इस रेसिपी को डालना ही पड़ेगा। और कुछ है क्या, किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है ना तो प्लीज़ अगेन डाल दीजिए, बिकॉज अभी तक मैं नहीं देख रही थी, और इतने दिनों से मैं क्या करती थी ना, लैपटॉप से आती थी लाइव तो मुझे बिग हैंड राइटिंग में दिखते थे, मतलब बिग फॉन्ट्स में दिखता था, मुझे मोबाइल से यहाँ से इतना दूर से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा स्पंज रेडी होता है, किसी का कोई क्वेरी है तो वो बताइए। बाकी मेरा आज का प्लानिंग तो ऐसा था कि मैं क्रीम को बीट करके रखूं, और फिर तो भी वो इतना गरम गरम कैसे बनेगा मुझे नहीं पता है, हम ट्राई करेंगे। 30 minutes का मुझे अलार्म सेट करना था ना, मैं 25 minutes का सेट करती हूँ अभी, क्योंकि 5 minutes हमने बातों में अभी पास की ना, कि लाइव में दूसरा कुछ अभी मेरे पास और कोई रेसिपी रेडी नहीं है कि मैं आपको दूसरा कोई रेसिपी शेयर करूं। तो हो सके तो आपका कोई क्वेरी है तो वो बताइए, हम लोग क्वेरी पे आगे जाएंगे, या फिर अगर आप चाहते हो तो मैं व्हिपिंग क्रीम लेके आती हूँ, मैं व्हिपिंग क्रीम आपको कैसे बीट करना है वो बताऊंगी, और फिर हमें थोड़ा सा वेट करके हमारे केक स्पंज को हमें फ्रॉस्टिंग करके हमें सिखाऊंगी कि उसके ऊपर हम ये शार्प एजेस कैसे लाते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा व्हिपिंग क्रीम लेके आऊँ, आप लोग रेडी हो क्या व्हिपिंग क्रीम को कैसे व्हिप करते हैं देखने के लिए, तो मुझे 2 मिनट देना पड़ेगा क्योंकि मेरा सामान सब लाना पड़ेगा मुझे। आर यू ऑल रेडी? ओके, ठीक है, जस्ट आई एम कमिंग, आई विल जस्ट वाइंड अप विद द थिंग्स, 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। तो व्हिपिंग क्रीम के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो होता है ना वो आपके केक को
सुंदर बनाने का काम करता है, राइट। तो अगर आपने राइट व्हिपिंग क्रीम नहीं चूज़ की तो फिर आपका केक जो है वो अच्छे से बीट भी नहीं होगा और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो व्हिपिंग क्रीम जो होता है ना इस तरह के पैकेट में आता है और वो 1 लीटर के पैकेट में ही आता है। व्हिपिंग क्रीम हम यूज़ करते हैं हमारे केक वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। तो व्हिपिंग क्रीम को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, जब वो लोग जो दुकान में भी बेचते हैं ना वो लोग भी इसे फ्रीज़र में रखते हैं, जब आप लाते हो तब भी आप हार्ड वाला ब्लॉक लेके आते हो, मतलब कि पूरा फ्रोजन ब्लॉक लेके आते हो। लाने के बाद अगर आपको इमिजिएटली यूज़ उसको नहीं आता है तो आपको सीधा उसको रख देना है आपके फ्रीज़र में, ठीक है। अब आपको जब भी इसे यूज़ करना होता है आपको क्या करना होता है, आप उसको अगले रात को नीचे निकाल के रखेंगे, नीचे फ्रिज सेक्शन में जहाँ पे हम हमारा दूध वगैरह स्टोर करते हैं ना, वहाँ पे हमें इसको स्टोर करना होता है, नीचे रखना होता है ताकि वो थोड़ा सा थॉ हो जाए। थॉ होने का मतलब होता है थोड़ा सा क्रिस्टल जो उसके है आइस के वो पिघल जाए और वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क की कंसिस्टेंसी में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्या होता है कि सिर्फ 500 ग्राम का ऑर्डर है, आप नया नया पैकेट लेके आए हैं, तो क्या हो सकता है पूरा का पूरा पैकेट आप नीचे निकालोगे उसे लंबा टाइम भी लगेगा एक तो थॉ होने के लिए, दूसरा क्या होगा आपका इतना सारा थॉ हो चुका है फिर से आप उसे फ्रोजन कर दोगे फिर से आप निकालोगे तो बार बार वो थॉ होता रहेगा तो आपकी क्रीम जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको आपका पैकेट खोलना है और जब वो हार्ड कंडीशन में है ना उसी टाइम पे आपको क्या करना होता है, चम्मच की मदद से आपको आपके क्रीम को निकाल लेना है, या फिर आप अगर इस तरह से दबाओगे ना चारों तरफ से, जब आपका फ्रोजन है पूरा ब्लॉक जब फ्रोजन है उस टाइम पे अगर आप चारों तरफ से ऐसे दबाओगे तो आपका एक स्क्वायर वाला ब्लॉक निकल के बाहर आ जाएगा, उसे आपको अलग से किसी बर्तन या कंटेनर पे निकाल के अलग से उतना नीचे रख दीजिए फ्रिज में और वो उतना ही आपका जितना आपने निकाला है 200 ग्राम या 300 ग्राम जितना उतना ही ब्लॉक जो है वो थॉ होगा, बाकी की क्रीम आपको तुरंत इस तरह से इसे बंद कर देनी है और फ्रीजर में डाल देनी है, ठीक है। तो ये उसके साथ ऐसा पैकेट में ही आता है कि आपको ये आसानी से खुल जाए, इसे खोलने के लिए हमें कोई कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इजीली ओपनेबल होता है और बंद यूज़ करने के बाद आपको इसे इस तरह से वापस दबा देना होता है ताकि वो फिर से सील हो जाए, देखिए ऊपर से, और फिर ऐसा करके आपको वापस से फ्रीज़र सेक्शन में इसे स्टोर करना होता है, ठीक है। अब आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये मैंने थॉ करने के लिए रखा था शायद 2 घंटे पहले, तो ये इस तरह की लिक्विड कंसिस्टेंसी की इसकी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन 1 किलो केक के लिए मैं 1 कप यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके केक के डिज़ाइन क्या है, सपोज़ आपके केक में चारों तरफ रोजेज बने हुए हैं तो बहुत सारी क्रीम चाहिए, क्योंकि रोजेज हम मेनली जब बनाते हैं क्रीम से तो उसमें बहुत सारी क्रीम चाहिए। तो अगर आपके पूरी केक को आपको अंदर भी लगानी है क्रीम, आपको बाहर भी डेकोरेट करना है रोजेज के साथ, तो आपको बहुत सारी क्रीम ऑब्वियसली चाहिए होगी। तो आपको उस हिसाब से अंदाज़ा लगाना है कि अगर मैं नॉर्मल केक बनाती हूँ जिसमें सिर्फ मुझे साइड में उसको कवर करना है अच्छे से डेकोरेट करना है और ऊपर में कुछ थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लगा देने हैं तो यू विल नॉट नीड मच क्रीम। लेकिन अगर आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपको ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ने वाली है तो फिर आप उसके हिसाब से 2 कप या 2.5 कप अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। हमारा केक बेक हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अभी है ना मेरा ऑलमोस्ट ये लास्ट पैकेट बचा है और 1 कप जितना ही है मैं कप रख के आ गई, तो मैं अभी सारी की सारी क्रीम को व्हिप कर देती हूँ क्योंकि मुझे कल भी एक ऑर्डर है, तो अभी मैं सारी क्रीम को व्हिप करूँगी। लेकिन उसे पूरा का पूरा पैकेट कैसे निकालते हैं वो भी एक ट्रिक आपको सिखाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पैकेट में इतनी है, तकरीबन इतनी सी क्रीम बची है, तो अगर आप ऐसे करके निकालोगे ना तो नीचे का हो सकता है कि बहुत सारा क्रीम आपका वेस्ट जाए। तो मैं वेस्ट ना हो इसलिए क्या करती हूँ, हमेशा इस तरह से बीच से पैकेट को काटना है। जब आपको लास्ट टाइम का निकालना होता है ना, लास्ट 1 कप जो बचा है वो अगर आपको निकालना है तब ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। अब मेरे क्रीम की कंसिस्टेंसी को मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में है, थोड़ा सा ब्लॉक बचा है हमारा इसका
क्रिस्टल का, लेकिन वो निकल जाएगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। तो ये हमने किया ना, वो आपको लेना है स्पैचुला, और अच्छे से, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है ना, तो कहीं पे भी वो अटकेगा नहीं, आराम से आप चारों तरफ से आपकी क्रीम को निकाल सकते हैं। अ सिंगल ड्रॉप ऑल्सो विल नॉट गेट वेस्टेड, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से ऐसे ही हैक्स और ट्रिक्स होते हैं जो हम बनाते बनाते ही हमें ध्यान में आता है कि चलो ऐसे करते हैं, इसको वेस्ट क्यों करें। और फिर बाद में मैं इसी को यूज़ करती हूँ स्पैचुला रखने के लिए, जब तक हमारा क्रीम बीट हो जाता है मैं इसको एज अ स्टैंड यूज़ करती हूँ ताकि हमारा स्पैचुला इसमें रेस्ट कर जाए, ठीक है। नाउ ये जो क्रीम है मैंने लिया हुआ है स्टील का बर्तन, मैंने कोई भी बर्तन को फ्रीज़र में नहीं रखा है, मेरे ब्लेड्स भी बाहर ही थे, मैंने उसको भी फ्रोज नहीं किया है। इनकेस आपको बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी है तब आप उसको ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि एसी में भी आपकी क्रीम अगर नहीं हो रही, देखिए अभी इसमें पानी जम रहा है, दिख रहा है आपको इसका, मतलब कि ये बहुत ही चिल्ड है, बहुत फ्रोजन है ये, और अच्छी खासी, मतलब मेरे हाथ में भी ठंडा लग रहा है। तो इसको ज़रूरत नहीं है, और प्रेफरेबली आप लीजिए स्टील का बर्तन, लेकिन आप प्लास्टिक के कटोरे में भी इसे बीट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह के जो बीटर के साथ आते हैं ना ब्लेड्स, मैं उसे ले रही हूँ। अब बीटर की बात करते हैं, तो क्रीम को बीट करने के लिए, क्रीम को अच्छे से विप करने के लिए, हम विप करते हैं, इसका मतलब है कि क्रीम में हम हवा भर रहे हैं, उसे फुला रहे हैं और उसे स्टिफ बना रहे हैं। तो वो करने के लिए हमें एक सर्टन कैपेसिटी का मशीन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मशीन, आपका जो बीटर मशीन है, अगर वो 300 वॉट से नीचे का है, तो आपका बीट, आपके इसको जितनी ताकत चाहिए वो उतनी ताकत उसको मिलेगी नहीं, और वो अच्छे से विप नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी बीटर ले तो उसके स्पेसिफिकेशन में चेक करें कि वो 300 वॉट्स के अबव का हो, 350 हो, 400 हो, 500 हो, तो बेस्ट है, ठीक है। ये मेरा वाला जो है ना, ये बॉश कंपनी का है, और ये है 350 वॉट्स का, और बहुत अच्छे से काम देता है। ये 2-in-1 है, मतलब कि ये एक स्टैंड मिक्सर भी है, और स्टैंड मिक्सर के साथ ये एक डिटैचेबल बीटर भी आया था। तो मैंने इसीलिए इस बीटर को चूज़ किया था, क्योंकि मुझे जब भी मेरा, मतलब हैंड्स फ्री मुझे काम करना है, मतलब कि मैं कुछ और कर रही हूँ और मेरा फिर भी काम चल रहा है बीटिंग का, तो मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ उसका स्टैंड कैसा था। डैडा कैन यू प्लीज़ गेट द स्टैंड एंड द कंटेनर स्टैंड, यानी तो मिक्सर करिए। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट शो यू माई स्टैंड मिक्सर। बहुत पोर्टेबल है, इतनी सी जगह रोकता है, लेकिन जब मुझे कुछ और काम करना होता है, जैसे कि मुझे केक का डेकोरेशन का सामान रेडी करना है, या फिर बोर्ड रेडी करना है, बॉक्स रेडी करना है, तो मैं क्या करती हूँ, 1.5 से 2 कप की जब मेरी व्हिपिंग क्रीम होती है ना, 1.5 से 2 कप, ज़्यादा हो गई, 1 कप बहुत कम, फटाफट हो जाती है 10-15 मिनट में, लेकिन 1.5 से 2 कप को होने में 18 से 20 मिनट लगता है। तो उस टाइम पे मैं हाथ से पकड़ के ऐसे खड़ी रहूँगी तो बहुत दुखता भी है, टाइम भी लगता है, और आप वहीं के वहीं खड़े स्टैंड पे, और आप वहीं के वहीं खड़े रह के 15 मिनट आपके, मतलब उसी में दे रहे हैं ना, एक काम में, आपका दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाला बीटर चूज़ किया था। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आता है। अब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सभी को, जब आपको ख़रीदना हो ना, अगर आप नए नए होम बेकर हो, तो आपको आइडिया आए कि किस तरह के चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का है, बिल्कुल लाइट वेट है, और इस तरह के स्टैंड के साथ आता है। ये उसका कंटेनर है, 2.5 लीटर का है शायद ये पूरा कंटेनर, और इसमें ये फिट होता है, ठीक है। अब ये स्टैंड मिक्सर ऑटोमेटिक ऑटो रोटेट कैसे होता है वो भी दिखा देती हूँ। मैंने इसके अंदर इसको फिट किया, ठीक है, ये हो गया इसके साथ अटैच, ये हमारा अटैच हो गया इसके साथ, और ये जो है ना हमने इसमें सेट कर दिया है। नाउ इसके अंदर अगर मैं क्रीम डालूंगी, मैं वैसे तो हाथ से ही करने वाली थी, लेकिन अभी आपको दिखाई रही हूँ क्योंकि टाइम भी है अपने पास, और एक फायदे की चीज़ है, तो इसलिए दिखा भी रही हूँ कि अगर ऐसा वाला लाते हो ना, तो जब आपको छोटी
क्वांटिटी में क्रीम बीट करनी है तो यूज द डिटेचेबल हैंड बीटर या फिर आप इस तरह का स्टैंड मिक्सर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। अब दिस हैज अ प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो मोस्ट गुड है ना, सेव पुट इट इन दिस मिस डायरेक्ट, ये रहा था डायरेक्ट ना था ना। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ, ये घूम रहा है, आपको दिख रहा है इसका कंटेनर ऑटोमेटिक ये घूम रहा है और अंदर से बीटर भी दूसरे डायरेक्शन में घूम रहा है। देखा आपने, मतलब दो तरफ से ये रोटेट हो रहा है और मैं आपके साथ फ्री हैंड बातें कर रही हूँ, मतलब कि मैं अगर चाहूँ तो दूसरा भी कुछ काम इसके साथ साथ कर सकती हूँ। तो ये इसका फायदा है, काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है और इसके अंदर पांच ये दिया हुआ है, पांच नंबर्स दिए हैं स्पीड के लिए, ताकि आपको जो स्पीड पे उसे चलाना है उस स्पीड पे उसे चला सकते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी क्या करती हूँ, इसी कंटेनर को अलग से भी यूज करती हूँ, जैसे कि ये निकाल दिया मैंने इसको, अब जब मुझे छोटी क्वांटिटी में क्रीम यूज करनी होती है तो मैं इसमें डायरेक्टली इसी तरह से इसे बीट कर लेती हूँ हाथ से पकड़ के। लेकिन इसको लाने का फायदा ये है कि आपका हाथ, एक तो 15 मिनट तक आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना नहीं है और दूसरा आप हैंड्स में कुछ काम कर सकते हो तब तक आपका क्रीम रेडी हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टील के बर्तन में ही वापस से ट्रांसफर करके दिखाती हूँ ताकि वो अच्छे से दिखेगा, व्हाइट में व्हाइट क्रीम आपको दिखेगा नहीं। ये तो सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए मैं बीटर दिखा रही थी। ठीक है, हमारा लगभग 1 कप का क्रीम है, मतलब 200 ml होती है 1 कप आपकी क्रीम जो है ना, अराउंड 200 ml जितना होती है। ठीक है, ओके, तो अभी इन सबको हम साइड कर देंगे। और पहले आपको क्या करना है, क्रीम जब भी बीट करो तो स्टार्ट विद द लोएस्ट स्पीड। तो मैं आपके पास अगर 3 स्पीड का है तो 1 पे चालू करिए, आपके पास अगर 5 स्पीड का है तो 1 और 2 दोनों में से किसी एक पे आप चालू कर सकते हैं, अराउंड 30-40 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक आप उसे चला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पे ले रही हूँ अभी, थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसमें बहुत सारे बबल जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं स्टैंड को थोड़ा नज़दीक लाती हूँ। दादा, कैन वी टर्न दिस स्टैंड, आई मीन ऐसे, हाँ दिस बोल, ब्रिंग इट क्लोजर, दिख रहा है ऊंचे को स्टैंड, अरे स्टैंड ऊंचे को, दिख रहा है क्या? हाँ, अभी हमारी 3 की स्पीड पे ये चल रहा है, आपको इसका दिख रहा होगा कि काफी फ्रॉथी हो चुका है और बहुत सारे बबल उड़ रहा है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्रीम में शुगर तो नहीं ऐड करते? आई नेवर ऐड, सिमरन जी मैं कभी भी शुगर नहीं ऐड करती हूँ, मैं वैसे ही मेरी क्रीम को बीट करती हूँ। ठीक है, दिख रहा है अभी, देखिए बबल जुड़ रहे हैं बहुत सारे, अब ये क्रीम थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है। ठीक है, नाउ मैं इसको ले के जा रही हूँ 3 पे, ये 3 के स्पीड पे अभी चल रहा है। हर एक स्पीड पे आपको एटलीस्ट 1-2 मिनट्स इसको चलाना है, आपको इसमें देखना है कि क्या चेंज आ रहा है आपकी क्रीम में, हर एक स्टेज पे थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा वो आपको नोटिस करना है। ठीक है,
अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है हमारा क्रीम, तो अभी हम इसको लेके जाएंगे नंबर 4 पे। मैं लगातार इसको घुमा रही हूँ। ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है, वो अपने आप घूमता है, बोल भी घूमता है उल्टा एंटी क्लॉक कंडीशन में, और ये घूमता है क्लॉकवाइज कंडीशन में। ठीक है, दिख रहा है इसमें क्रीम काफी गाढ़ी हो रही है। जो पहले एकदम लिक्विड का था वो अभी गाढ़ी, काफी गाढ़ी हो गई है, और उसका वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया है। मतलब जो नीचे के लेवल पे थी ना, वो अभी आधा बोल तक आ गई है। देखिए हमारा आधा बोल बढ़ चुका है। बस मैम आप वीडियो बनाने में बिजी हो, बिल्कुल भी वॉइस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा है क्या? ओके, अभी आप देखिए एक चेंज आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। धीरे धीरे आपकी जो क्रीम है ना, वो आपके ब्लेड को चिपकने लगती है, मतलब कि आपकी ब्लेड की तरफ आपकी क्रीम आने लगती है। ठीक है, ये नंबर 4 की जो पोजीशन आती है ना, तब आपको ऐसे इस तरह की लाइन दिखने लगेगी। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, ये सारी लाइंस आपको दिख रही है, और आपकी क्रीम जो है ना, वो आपके ब्लेड को आसपास मतलब पकड़ने का ट्राई कर रही है। देखिए ये जब लाइंस आपको दिखने लगे ना अच्छी वाली, और आपको लगे कि क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तब आपको इसका सेटिंग चेंज करना है नंबर 5 पे। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ 5 नंबर पे। फाइव नंबर पे क्या होगा, अभी आपकी क्रीम है आपके ब्लेड के अंदर घुस जा रही है। ठीक है, लेकिन फाइव नंबर पर जब आपकी क्रीम बीट हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके ब्लेड को छोड़ के दूर, आपके कंटेनर को छोड़ के कंटेनर तक मतलब दूर भागेगी, आपके ब्लेड से दूर भागेगी। वो अभी आपको दिखाई देगा। अभी मैं फाइव नंबर पे थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आता है, इसलिए मैं बोलूँगी कम, और आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कैसे क्रीम जब पूरी तरह बीट हो जाती है ना, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारी क्रीम बीट हुई है कि नहीं, वो ही पता नहीं चलता है। तो कब पता चलेगा, जब आपकी क्रीम ऑटोमेटिक आपके ब्लेड को छोड़ने लगेगी, उस टाइम पे आपको पता लगाना है कि यस आपकी क्रीम अभी अच्छे से बीट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए मैं बोलना बंद कर रही हूँ। मैं नंबर 5 पे मशीन को चालू कर रही हूँ। ऑब्जर्व किया, जो पहले बीच में एक गोला बना रही थी घूम घूम के, वो अभी अपने बोल को चिपक रही है और छोड़ रही है, मतलब ऐसे ब्लेड से छुट्टी होके वो साइड में चिपकने लगती है। देखिए अपने लास्ट 1 मिनट, ये देखिए हर तरफ से वो छूट के जा रही है। दैट मीन्स कि आपकी क्रीम अभी रेडी है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है स्टिफ पीक्स। देखिए कितने स्टिफ पीक्स है हमारे,
एकदम पॉइंटेड वाले पीक्स है, देखिए आपने बिल्कुल भी वो झुके झुक नहीं रहे कहीं भी तरफ से, तो ये है एकदम पॉइंटेड वाले स्टिफ पीक्स। और अगर इस बोल को मैं उल्टा भी कर दूंगी ना तो कुछ भी नहीं गिरेगा, देखिए। तो ये हमारा क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है, ठीक है। बस अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। अब जब तक आपको काम नहीं है, आपको क्या करना है, आपकी क्रीम को फ्रिज में ही स्टोर करना है। अब हमारा केक भी बन के रेडी हो चुका है। बीच में जब हमारा फिफ्थ नंबर पे चल रहा था ना, हमारा बीप का साउंड बजा था। मैं थोड़ा कैमरा को वापस एडजस्ट कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, यू टू ब्रिंग इट डाउन। ओके, नहीं शोइंग सो, हाँ ओके, इट हैज गॉट एनलार्ज्ड। लाइट ऑफ कर दो, दिस इज नॉट फिक्स्ड, टाइट करो ना, कुछ हुआ। ओके ठीक है, तो हमारा केक भी बन चुका है, तो मैं अभी इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कैसा हमारा केक बना है। और एक स्क्यूअर आई विल नीड, गेट सम अदर थिंग, कीप इट इन द फ्रीजर। क्या प्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम, एक सेकेंड ना मैं हाथ में ले लूँ क्योंकि फिर स्टैंड अभी काम नहीं कर रहा है। पता चलती कौन सी लेनी है, एक मिनट है, मैं मेरा आपको केक दिखा दूँ। केक देखिए, अभी ये जो ओवन है ना यहाँ पे, अभी ये मैंने जब हमारा फिफ्थ पे चल रहा था, ओवन कूल डाउन हो गया है 10 डिग्री तक, मतलब कि ये 170 पे आ गया है और हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो आपको आपके ओवन को पहले समझना पड़ेगा, अगर आपका ओवन थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो आपको 30 मिनट से उसे निकाल देना है, ठीक है। ओके, ये देखिए हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी है। आई शो यू द स्क्यूअर, ये देखिए अभी मैं इसमें टूथपिक डाल रही हूँ, तो टूथपिक बिल्कुल हमारा क्लियर बाहर आया है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टैंड पे लगा दूँ, जस्ट अरे यार इट गोज बैक साइड, व्हाई, सॉरी आज थोड़ा बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है सेटिंग्स में। ओके, केक देख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे से बेक हुआ है, काफ़ी अच्छा वो भर के आया है। हमारा 5 इंच का जो टिन था ना वो ऑलमोस्ट भर के रेडी है, ठीक है। स्टैंडिंग कूलिंग रैप, ओके। चलो, किसी का कोई क्वेरी है क्या, क्योंकि अभी केक को थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। अगर ऐसा होगा तो व्हाट आई विल डू इज, हम लोग वेट करेंगे और वापस से अगर आपको देखना ही है क्रीम कैसे क्रीम कैसे लगाते हैं, तो फिर हमें एक घंटे बाद ऑफिस से लाइव आना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर। ये प्रेफरेबली नहीं है कि आप गरम गरम में ही इसे उल्टा करो। मैं क्या करती हूँ, इसे 10 मिनट के लिए पहले ठंडा होने देना है आपको आपके इसके अंदर टिन के अंदर, और उसके बाद आपको उसे डीमोल्डिंग करना है, ठीक है। तुरंत के तुरंत आप मत करिएगा। चलिए, आपका कितने लीटर का ओटीजी है? मेरा ओटीजी है 48 लीटर का, अगारो का है 48 लीटर का। तो अभी मैं इसे क्या करती हूँ ना, 5 मिनट के लिए ढक के रखती हूँ, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे थोड़ा ठंडा हो जाए फिर काटने का। एकदम से गरम गरम में कभी भी कोई केक काटते नहीं है हम लोग, क्योंकि वो बिखर जाएगी। एकदम सॉफ्ट कंडीशन में है अभी, आपकी सारी चीज़ें गर्म है, तो नेवर ट्राई टू कट योर केक व्हेन इट इज वेरी हॉट, ठीक है। क्यों फट गया, क्योंकि अभी केक है ना एकदम से, ये तो नहीं हो सकता क्या बोलते हैं फ्लैट टॉप ही आएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। केक बेक होता है तो उसे एस्केप करने में थोड़ा सा तो वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा बेकिंग सोडा के साथ जो रिएक्ट करता है हमारा विनेगर वगैरह, वो बाहर निकला है और कुछ नहीं हुआ है उसे। आपका केक बिल्कुल अच्छा है, ठीक है।
और दूसरा क्या है कि ये कंटेनर हमने टॉल वाला लिया है ना, तो इसीलिए वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते उसका थोड़ा सा टॉप क्रस्ट फट गया है, और कुछ भी नहीं हुआ है आपके केक को, ठीक है। उसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब आपका केक परफेक्टली बेक हुआ है। क्या है ये मैदा, कौन से ब्रांड का? मैं उत्तम ब्रांड का मैदा यूज़ करती हूँ। हाँ, मैदा भी हमेशा आप क्या करोगे ना, पैकेट वाला मैदा लाइए, जो सुपरमार्केट वगैरह में लूज मिलता है ना, कभी भी वो लूज वाला मैदा मत लाना, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? केक बना रहे हैं मीडियम टू फास्ट, हाँ वो तो आप स्पीड का बता रहे हो ना, फ्लफी हो गई, ये सिमरन जी फ्लफी हो गई है। आलमंड केक बताओ ना, मुझे बहुत छोटे हैं ये फॉन्ट्स है ना, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके कितने लीटर का है? वो तो हो गया, मैदा का हो गया, जवाब नहीं देते। किस चीज़ का? फिर से पूछिए क्या, क्या नाम था? असरा, असरा शेख, आप फिर से पूछिए क्या, मैंने आंसर नहीं दिया। हम आज वनीला स्पंज केक बनाए हैं, अब पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि केक बना के तुरंत ही उसको फ्रॉस्टिंग भी करना है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा किया नहीं है। तो लेकिन 4-5 लोगों के रिक्वेस्ट थे मेरे कमेंट्स में कि आप स्क्रैच से केक बनाना सिखाइए, केक स्क्रैच से बनाना सिखाइए, लेकिन इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी केक अभी हमारा रेडी हुआ है, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा कूल डाउन होने में, उसके बाद हम उसको फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। टी केक, आलमंड केक, हाँ ठीक है, टी केक आलमंड केक बताएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था क्या आसरा? मैम टी केक आलमंड केक बताओ, गैस पे? आपने क्या लिखा है लास्ट में, गैस पे लिखा है क्या? वो GEE क्या होता है आसरा? मेरे पास है ना ऑलरेडी 3 ओवन है, और गैस मैं ये रूम में ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि गैस है ना हमारा पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड है ना, तो मैं या तो कैमरा मुझे वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू शो इट ऑन लाइव, है कि नहीं। मैं ट्राई करूँगी अगर वो कन्वेक्शन, अरे कन्वेक्शन नहीं, हमारा क्या है इंडक्शन, अगर इंडक्शन पे बनता है तो मैं एक केक पहला मेरा ट्राई करूँगी, अगर वो बनता है तो मैं आपको इंडक्शन पे बना के दिखा सकती हूँ। बट मेरे पास ऑलरेडी घर में 3 ओवन है, इसलिए मैं कभी भी मेरे केक्स को गैस पे बेक नहीं करती हूँ, ठीक है। वीडियो में मैंने दिखाया है 160 पर केक बेक कर सकते हैं क्या? हाँ आप कर सकते हो, लेकिन 160 आपका ओवन का टेम्परेचर आपको देखना है कि 160 पे आपका ओवन सही तरह से गर्म होता है कि नहीं। देखिए मेरा दूसरा जो ओवन है ना, वो 160 पे काफ़ी अच्छे से गर्म होता है, तो उस पर मैं बेक करूँगी तो केक अच्छे से होगा। लेकिन अगर आपका ये वाला जो है ना, वो कंपैरेटिवली कम गर्म होता है दूसरे ओवन से, तो अगर मैं इसमें 160 पे करूँगी ना, तो मेरा केक कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो सारे ओवन जो होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग कंडीशन में गर्म होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ओवन पे 180 लिखा है तो वो 180 पे ही गर्म होता है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपको ओवन थर्मोमीटर लाना चाहिए। जब भी आप ओवन थर्मोमीटर लाते हो ना, आपको क्या करना है, लाने के बाद 15 मिनट तक आपके ओवन को ऑन करके रखना है। अगर आपने 150 सेट किया है तो आपके ओवन पे 150 दिखाना चाहिए आफ्टर 15-20 मिनट्स। अगर वो 15-20 मिनट्स के बाद भी 150 से कम दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपका ओवन जो है वो कम गर्म हो रहा है, 150 जितना गर्म नहीं हो रहा है। तो वो जितना डिग्री का डिफरेंस दिखाता है, उतना डिग्री आपका ओवन कम गर्म होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने डिग्री बढ़ा के आपको प्रीहीट करना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? सपोज आपको 150 पे गर्म करना है और आपका ओवन 10 डिग्री कम दिखा रहा है, मतलब कि 140 पे आके वो अटक गया, आपने 25 मिनट राह देख ली, 30 मिनट राह देख ली, लेकिन वो 140 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, आपका जो ये थर्मोमीटर का जो कांटा है वो अगर 140 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि आपका ओवन 140 पे 140 डिग्री तक ही गर्म होता है, लेकिन सेटिंग पे दिखा रहा है 150।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग चेंज करके उसे 10 मिनट्स बढ़ाना पड़ेगा। 160 पे लोगे तो आपका 10 मिनट्स आपके थर्मामीटर पे बढ़ेगा और वो दिखाएगा आपको 150। आई होप आई मेड सेंस, आपको समझ में आया होगा जो मैंने सिखाया। अगर आपका ओवन आपने सेट किया है 150 और आपके ओवन में दिखा रहा है 180, उसका मतलब है कि आपका ओवन जो है वो 30 डिग्री ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री कम करना पड़ेगा आपके नॉब के सेटिंग पे। गॉट इट? ये नॉर्मल सी बात है, आपको समझ के करना है कि आपका ओवन कौन कौन सी डिग्री में कैसे कितना गर्म होता है। इसीलिए अगर एक बार आपने थर्मामीटर ला दिया और अगर आप बहुत कुछ वेराइटीज बेक नहीं करते, सिर्फ केक्स बेक करते हो, तो आपने सेटिंग कर ली कि मेरा 180 है और 180 पे ये बराबर चलता है, तो फिर आपको बार बार रोज़ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है थर्मामीटर में। आपको अंदाज़ा आ गया कि 15 मिनट में मेरा थर्मामीटर 180 पे पहुंच जाता है, तो फिर ठीक है, 15 मिनट आप उसको प्रीहीट करिए और सीधा डाल दीजिए, तो आपको रोज़ रोज़ आपके थर्मामीटर को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर अंदर भी लाने रखोगे, रोज़ रोज़ यूज़ भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब से लाई हूँ रोज़ यूज़ होता है, क्योंकि मुझे एक अभी आदत सी हो गई है टेम्परेचर देखते रहने की कि भाई टेम्परेचर सही चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होना, तो इसलिए मैं उसको डाले रखती हूँ। लेकिन आपको अगर नहीं भी डालना है, एक बार आपने आपके ओवन को समझ लिया, तो फिर आपको बार बार उसे गर्म करने की, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच सुमो के, थैंक यू। ठीक है, आलमंड केक सिखाती हूँ। अच्छा, मेरा है ना, एक्चुअली मैं बहुत सारा काम से लदी रहती हूँ ना, तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, मुझे इस टाइम पे वर्क करना है, क्योंकि हस्बैंड के स्कूल से आने का टाइम, बच्चे के स्कूल से आने का टाइम, सबका दोपहर का टाइम है। अब आते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं, फिर हम लोग ये सेटिंग करना, एक लाइफ के लिए सेट करने में ही मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। तो उन सब में मैं क्या होता है ना कि कभी कभी उनको स्कूल से आने में लेट हो जाता है, या फिर जल्दी तो कभी नहीं आते बट लेट होता है, तो सारा शेड्यूल मेरा पीछे जाता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ 3 से 4 बजे के बीच में आने का, क्योंकि तब तक मैं फ्री हो जाती हूँ, बट मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। मुझे उस पर काम करना है, मुझे एक्चुअली एक फिक्स टाइम रखना है, ताकि मेरे सारे व्यूवर्स जो है ना वो लोग कन्फ्यूजन में ना रहे, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको लगे 3:30 को आएगी, और कभी हो जाता है मैं 3 को आ जाऊँ तो उनका मिस ना हो जाए। जैसे हमने कल लिया था एक सेशन, बहुत ब्यूटीफुल सेशन था, बहुत यूज़फुल सेशन था, हमारा था होममेड फॉन्डेंट से ही फॉन्डेंट टॉपर बनाने वाला सेशन, तो हमने कल लिया था, वो बहुत अच्छे से किया पूरा सेशन। तो ऐसा ना हो कि आपको वो यूज़फुल वाले जो हमारे सेशन से वो मिस हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, केक तो बहुत गर्म है, तो आर यू ऑल रेडी टू जॉइन मी अगेन आफ्टर, कितना बजा है, एक घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं, क्या करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। मुझे अभी और कुछ तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी और कुछ रेसिपी सिखाने का तो कोई प्रिपरेशन नहीं है मेरा, है ना, नहीं तो मैं बीच में एक आध और रेसिपी ले लेती, लेकिन आज बहुत सारा बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड काम आ गया था मेरा, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मेरा ट्रोपोलाइट का व्हिपिंग क्रीम है, आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हो, ठीक है। ट्रोपोलाइट कंपनी क्या है ना, अच्छी कंपनी है, उसकी क्रीम अच्छी बीट होती है, तो आप आपके एरिया में जो मिलती है पहले एक पैकेट लाइए, अगर ट्रोपोलाइट नहीं मिला है तो दूसरा कंपनी लाइए, उसको बीट करके देखिए, अगर आप उसे बीट हो जाती है अच्छे से तो फिर आप उसको क्या करेंगे, वही यूज़ करना, ठीक है। अब एक और बात मैं बताना भूल गई, कभी ऐसा आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा डोम आया है ना, तो ओवन से निकालने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, कपड़ा इस तरह से डालोगे और उसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा देना, तो वो आपका जो डोम है ना वो अच्छे से फ्लैट हो जाएगा उसी टाइम पे, फिर उसे छोड़ देना है आपको। तुरंत बेक करोगे ना केक को, अरे तुरंत अगर आप काटने का ट्राई करोगे ना, तो ऊपर का लेयर अभी अभी ओवन से होके आया है, मतलब कि ऊपर का लेयर ड्राई है, ठीक है, तो आपको काटने में दिक्कत आएगी टॉप लेयर। तो कभी आपको भी ऐसा लगे कि अरे मेरा टॉप लेयर तो क्रस्टी लग रहा है, या फिर वो थोड़ा सा कड़क लग रहा है, डोंट वरी, आपने क्लिंग फिल्म तो देखी होगी ना, क्लिंग फिल्म क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग वाली जो हम केक वगैरह रैप करते हैं, तो आप क्या करोगे,
जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका टॉप लेयर जो है थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आपको उसे क्लिंग, ठंडा होने के बाद क्लिंग रैप करके उसे रेस्ट देना है। जैसे ही आप उसे 3-4 घंटे का रेस्ट दोगे, वो ऑटोमेटिक आपका जो ऊपर का लेयर है ना, वो वापस से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है ना, कभी जल्दबाजी में मत करिए। काफ़ी सारे मैंने लाइव देखे हैं कि बेकर्स वहीं के वहीं बनाते हैं, करते हैं, बट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल भी है, या फिर पता नहीं कैसा बनता है। मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया कि केक बनाया, तुरंत काटा और तुरंत ही उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी लगा दी। इट टेक्स टाइम। और हमेशा कोई कस्टमर का भी अगर एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ, अगर कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है ना, तो ट्राई करें कि अभी बना के अभी मत दीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, केक को बनने के बाद उसे टाइम चाहिए फ्लेवर्स को इन्फ्यूज़ होने के लिए। आप उसके अंदर फिलिंग भी डालोगे तो भी उसे टाइम चाहिए फिलिंग को आपके केक में अब्सॉर्ब होने के लिए, उसके फ्लेवर को अब्सॉर्ब होने के लिए। सेम वे आपका जो स्पंज है ना, वो भी एक बार बन गया है, लेकिन इसको भी थोड़ा टाइम चाहिए सारे फ्लेवर्स को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो अच्छा फ्लेवर दे। तो कभी भी अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, तो नेवर मेक दिस मिस्टेक कि लालच में आ गए, या फिर किसी ने सुबह बोला 10 बजे और मुझे 1 बजे केक चाहिए, तो हाँ हाँ मैं दे देती हूँ। डोंट डू दैट। आपको आपका टाइम लेना है। उनको बोलिए कि केक है ये, कोई शॉप पे मिलने वाली चीज़ नहीं है कि पैसे दिए और आपको रेडी मिल गई। केक बनाने में टाइम लगता है, केक ठंडा होने में टाइम लगता है, केक को फ्रॉस्टिंग करने में टाइम लगता है, और फ्रॉस्टिंग को सेट होने में भी टाइम लगता है। अगर आपने बना भी दिया, जैसे तैसे करके फ्रॉस्टिंग कर भी दिया, अच्छी से डिज़ाइन भी बना दी, लेकिन जब वो केक आपका कस्टमर खाएगा ना, वो केक कभी भी टेस्टी नहीं लगेगा। ये लिख के ले लो मेरे पास से, क्योंकि आपके जो सारे फ्लेवर्स है, अपने देखिए, जब आप फ्रॉस्टिंग करते हैं, पानी डालते हैं, ऊपर फ्लेवरिंग डालते हैं, फिर से ऊपर क्रीम डालते हैं, फिर से कोई फ्लेवर डालते हैं, पानी, तो ये जो पानी, फ्लेवर, स्पंज, ये सबको एक रस होने में टाइम लगता है। आप ऐसे का ऐसा दे दोगे और वो बंदा अगर आधे घंटे में वो केक खाएगा, आप ही सोचो वो केक टेस्टी लगेगा, आप ही सोचिए, वो नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। इसीलिए कभी भी अगर कोई कस्टमर बोलता है मुझे 2 घंटे में केक बना के दो, मुझे 3 घंटे में केक बना के दो, हमेशा मैं ना बोलती हूँ। या फिर उनको बोलो कि 2-3 घंटे में नहीं मिलेगी, आपने 10 बजे फ़ोन किया है तो आपको शाम को 4 बजे या 5 बजे केक मिलेगी। ठीक है, आपके लिए थोड़ा गैप बनाइए, टाइम बनाए, क्योंकि आपका भी डे का टाइम शेड्यूल होता है ना, घर का काम होता है, आपको घर का सब काम छोड़ के आप केक बनाने बैठ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कल परसों में मैं कोरियन बन का केक, सॉरी, कोरियन बन का रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो अगर आप में से जिसको भी सीखना है, मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे कम्युनिटी का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से आपको फॉरवर्ड करने का ट्राई करती हूँ, अगर हो पाता है मुझसे तो। किसी का कोई क्वेरी है क्या? देखिए, मैंने ये लिंक डाला है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, अगर नहीं किया है तो आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा क्या है ना, फिक्स टाइम नहीं होता आने का। मैं कभी रात को 9:30 को आती हूँ, कभी 11 बजे आती हूँ मेरा जब केक डेकोरेशन होता है, तो कभी 3 बजे आती हूँ। इसलिए आपको एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कल मेरा एक और केक है, कल एक और केक का ऑर्डर है मेरा, जो है कार का शेप का केक नहीं है, केक के ऊपर मुझे कार रखनी है, ओरिजिनल वाली, मतलब कि टॉय वाली कार। उसके लिए मैंने ना सोचा है रैंप जैसा बनाने का। तो अगर आपको देखना है तो मैं कल लाइव बनाऊंगी, आप लोग मुझे ज्वाइन करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं 3 बजे के आसपास ही बना दूंगी, क्योंकि मुझे उनको देना है 7 बजे और मुझे केक रेडी कर देना है 4:30-5 बजे मैक्स, ताकि उसके 2-3 घंटे मिल सके उसे सेट होने के लिए। ठीक है, ओके। यूजुअली मैं मेरा केक डेकोरेशन सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन कल देखती हूँ मैं 11:30 को अगर फ्री होंगी तो 11:30 को आऊँगी। ठीक है,
हाय हेमा, हेमा धमेजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। 100% ठीक कह रहे हैं आप। मम्मीज वर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं जो भी बताती हूँ ना, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे, मतलब 800-900 से ज़्यादा केक तो मैंने बना के दे दिए सबको, मतलब कि बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, किस तरह से आपके क्लाइंट आपसे बिहेव करते हैं, किस तरह से आपसे डिमांड करते हैं, वो सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं जो भी शेयर करती हूँ दैट इज़ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, है ना। तो अच्छा है अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ इसे निकालने का। मुझे, हमने इसे पार्चमेंट पेपर नहीं डाला था आपको अगर याद हो तो, इसलिए मैं इसके आसपास नाइफ घुमाऊँगी। अगर पार्चमेंट पेपर डाला होता तो आपको नाइफ घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं नाइफ मुझे लेके आना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड डाडा। इसके अलावा किसी को किसी और चीज की भी कोई क्वेरी है क्या? अभी भी केक बहुत गर्म है, मैं मोल्ड को पकड़ तो रही हूँ बट इट इज वेरी हॉट। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ उसे डीमोल्ड करने का। देखिए, हमने इसके अंदर पार्चमेंट पेपर या कुछ भी नहीं डाला है, बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, सिर्फ नॉर्मल जो हमारा ऑयल ड्रिप हो रहा था ना 1/3 कप में से, उसी को डाला और थोड़ा सा आटा छिड़का है। तो आपको पार्चमेंट पेपर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे केक्स बहुत सारे चिपक रहे हैं तो आप पार्चमेंट पेपर यूज़ करिए। देखिए ये स्पंज का हाइट देखिए कितना मस्त आया है कि नहीं। अब इसका देखिए डोम आया है और थोड़ा सा क्रस्टी है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर का लेयर निकाल दूंगी। तो मेरा जो केक का वेट हो जाएगा ना, वो ऑलमोस्ट आपका 260-280 ग्राम का हो जाएगा। तो आप उस, और वेनिला केक का यूजुअली सिर्फ क्रीम जाता है, अब क्रीम हैवी नहीं होता आपका, राइट? तो क्रीम का वेट ज़्यादा नहीं होता, उस केस में आप स्पंज ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो रेसिपी मैंने बताई है ना, कभी भी डोंट गेट सो मच कि मेरी रेसिपी नहीं है अच्छी, मेरी रेसिपी अच्छी नहीं है, मुझे आता नहीं। आप ट्राई करें और समझने का ट्राई करें कि आपने जो रेसिपी फॉलो कर रहे हैं वो क्या क्या बता रही है, किस हिसाब से बता रही है। मैं कभी क्या करती हूँ, मुझे इससे कम अगर चाहिए तो मैं सभी का 3/4 3/4 3/4 ले लेती हूँ। मतलब मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1/4 1 कप लिया है, 3/4 ले लीजिए, 1/3 कप बोला है उसका 3/4 पोर्शन कर दीजिए। समझ में आए? तो बस इस हिसाब से आपको आपके रेसिपीज के साथ खेलना है। केक बनाना वो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, केक बनाना बहुत इजी है, बस आपको उसके बेसिक समझने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये होल्ड करने लायक तो हो गया है बट आई डोंट थिंक कि वो अच्छे से कटेगा। मैं ट्राई करती हूँ इसे काटने का। पहली बार इतना जल्दी मैं कोई केक काट रही हूँ, ठीक है, पहली बार। गर्म है ये, मैं क्या कर रही हूँ, पहले थोड़ा मार्किंग बना रही हूँ और फिर हम लोग धागे की मदद से काटेंगे, ताकि छुरी से जो हम आगे पीछे अगर करेंगे ना तो उसका क्रम खराब हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको काटूंगी, लेकिन इसको काटूंगी मैं धागे की मदद से। ठीक है, तो आपको जितना मोटा स्पंज रखना है, मैं यहाँ से है तो उसके 3 लेयर्स आराम से निकाल सकती हूँ और ऊपर का मैं बाद में निकाल लूंगी, क्रस्ट निकाल लूंगी। ठीक है, देखिए क्योंकि ये अभी अभी ओवन से होके आया है ना, तो ये कड़क है, लेकिन अगर इसी को मैं क्लिंग फिल्म रैप करके रखूंगी ना तो यही लेयर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और मैं ऊपर का लेयर भी यूज़ कर पाऊंगी अगर मुझे ये सॉफ्ट वाला केक होता तो। लेकिन अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, धागा लेना है, वो जो आईब्रोज वाला धागा आता है ना, वो है मेरे पास।
आपको दिखे अच्छे से। मैंने क्या किया, चारों तरफ मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के अंदर मैं धागे को फंसा रही हूँ, ठीक है, ताकि हर जगह से, अब यहाँ पे दो तरफ से फंसाया, इसे क्रॉस किया एक्स मार्क और खींचना है बस। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, देखिए आपके सामने बनाया और पहली बार इतना जल्दी जल्दी मैंने केक काटा है, कभी इतना जल्दी मैंने कभी भी कोई केक नहीं काटा। देखिए अंदर से पूरी तरह पका है और एकदम से स्पंजी केक बन के रेडी है, बिल्कुल रुई जैसा स्पंज है इसका, काफ़ी सॉफ्ट है, दिख रहा है, देखा आपने। तो ये रेसिपी फुल प्रूफ रेसिपी है, उसे आप आराम से ट्राई कीजिए आपकी कोई भी रेसिपी में। इसका मैं क्या करूँगी, मुझे अभी है ना किसी को ऑर्डर में नहीं देना है, मैं सिर्फ घर के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको ना 500 ग्राम देखूँगी ना 400 ग्राम, जो भी है मुझे ही खाना है या फिर मैं किसी को दे दूँगी। तो मैं अभी इसको सिर्फ दो लेयर काट रही हूँ, तीन लेयर का झंझट अभी हम नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो इसके तीन लेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, तीन लेयर करने है कि दो करने हैं, आप बताओ। नो, ये ठंडा हो गया है, बनाने लायक हो गया है, चलेगा। तीन लेयर करने हैं, ठीक है, तो हम इसके तीन लेयर कर देंगे। आपको अप्रोक्सीमेट मार्किंग करके धागे से फिर उसको काटना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्रोक्स मार्किंग कर लिया है और उसके नीचे भी एक मार्किंग बना देते हैं। मैं छुरी को नहीं घुमा रही हूँ, मैं मेरे टेबल को घुमा रही हूँ, ठीक है। बस उसे दो चार मिनट हम दे देंगे ठंडा होने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक टू कट, अगर आपके छुरी से अच्छी लेयर नहीं कटते हैं ना, तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है ना। मैं अभी इसको रख रही हूँ ठंडा होने के लिए, अब तक दूसरा काट दादा विल बी फ्री एट 5 यू टू कम ना, तो कुछ आई विल टेक द सेशन लेटर, ओके। देखिए ऑलमोस्ट इक्वल लेयर्स हमने काट दिए, ये है एक अंदर वाला है, थोड़ा गर्म है, ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको हम दो तीन मिनट दे देंगे और ठंडा होने के लिए। चलिए तब तक हम क्या करेंगे, क्रीम है ना वो लेके आते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। आज कोई फ्लेवरिंग नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ वेनिला केक ही बना रहे हैं। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि वेनिला स्पंज कैसे बनता है, वेनिला केक कैसे बनता है, और एकदम सिंपल से डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो। केक बोर्ड ला सो, केक बोर्ड 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 ऑल राइट। ये भी अच्छे से हो जाएगा अगर ठंडा होता ना। आपको एक क्या करना है ना, क्लिंग रैप कर दीजिएगा, या आप बाद में यूज कर सकते हो, एक लेयर में यूज कर सकते हो, मस्त बना है, वेरी नाइस। चलिए मेरा केक बोर्ड आ रहा है, तब तक मैं इसको रख रही हूँ साइड पे। एनी बोर्ड गेट इन स्मॉलर वन आल्सो, हाँ चलो, एंड क्रीम। दो मिनट और लगेंगे इसको ठंडा होने के लिए, ठीक है। क्या क्या सीखना पड़ता है नहीं हमको भी, हमारा फ्रिज में था। जब भी फ्रिज से क्रीम निकालो ना, आपको उसे अच्छे से डिप करना है, क्योंकि क्रीम थोड़ा सा ड्राई हो जाता है एंड उसे फिर से डिप करने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक
है। आप इस तरह का कोई भी पैलेट नाइफ ले लीजिए। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो लेयर होता है ना मेरा, वो मैं सबसे ऊपर डालती हूँ, लेकिन अभी दो और जो लेयर्स है वो अभी ठंडे नहीं हुए हैं, तो मैं अभी इसको चालू करती हूँ काम करना। डाडा वेयर इज माय वाटर बॉटल फिल्ड ना। गेट ना प्लीज हाफ अ बॉटल का। चलिए चॉको लाइट व्हिपिंग क्रीम कितने, ये तो सब पुराने हैं ना, नए वाले ये क्यों नहीं दिख रहे मुझे? कम्युनिटी पे नहीं मिलेगा, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है? हम सबको भी क्या है ये, भक्ति जी ने क्या लिखा है, हम सबको भी तो मैं मेरे केक में कभी भी शुगर सिरप यूज़ नहीं करती, मैं मेरे क्रीम में कभी भी शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे केक की जो शुगर क्वांटिटी है ना वो परफेक्ट है। और आजकल के सभी लोग क्या करते हैं, उनको कम मीठा वाला, मतलब बहुत मीठा वाला केक नहीं पसंद है। तो देखिए ऑलरेडी केक स्पंज में हमने शुगर डाला है, ये ऑलरेडी स्वीटेंड आती है, और अगर आप इसमें कोई फ्लेवरिंग डाल रहे हो, जैसे कि आप कोई क्रश डाल रहे हो, या फिर कोई फिलिंग डाल रहे हो, या फिर कोई फ्रूट्स डाल रहे हो, सभी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्वीटनेस होती है, राइट? तो इसके लिए मैं कभी भी ऊपर से शुगर सिरप नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा मेरे केक्स जो होते हैं ना वो नॉर्मल वाटर से ही उसे सोक करती हूँ। आप चाहे तो शुगर सिरप डाल सकते हैं, आधा कप ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच शुगर आप डाल के उसे मिक्स कर दीजिए, या फिर गर्म करिए पानी लुकवॉर्म, 2 चम्मच शुगर डालिए, और फिर उसे ठंडा होने के बाद आपको यूज़ करना है, ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस चेक कर लूँ अगर मेरा स्पंज रेडी है तो। ऑलमोस्ट ये हो गया है, तो मैं इसको बाहर रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे स्पंज को क्रीम लगाएंगे, ठीक है? मैं बहुत बेसिक सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ आपको, ताकि आप घर पे ही आराम से केक बनाना सीख सके, अगर आप नए नए बेकर हैं तो। अब ये जो बॉटल है ना वो कोई फैंसी बॉटल नहीं है, जो हमारी बिस्लेरी की बॉटल आती है ना वैसे छोटी है, मेरी भरी हुई लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। एंड आई नीड अ ब्रश, रेड ब्रश, इट्स ओके। तो उस पर ही मैंने क्या किया है, नीडल की मदद से, बहुत पतली वाली नीडल की मदद से इस तरह से होल्स बनाए हैं, ठीक है? आपको बहुत छोटे छोटे से होल्स है, बड़े बड़े होल्स मत करना, नहीं तो बहुत सारा पानी आएगा। तो ये मैंने छोटा सा, और ये बॉटल इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी पिचकू आती है, तो ये पानी डालने में इजी रहता है, आपको छिड़कना नहीं पड़ता है हिला हिला के, ये ऑटोमेटिक दबा के ही पानी अच्छे से निकालती है। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा सोक करेंगे। माय स्पंज इज वेरी सॉफ्ट। रेड ब्रश, ब्रश बॉटल भी ना ब्रशिंग के लिए, पेस्ट्री ब्रश, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी वेनिला का ये क्रीम। मैं कोई फ्लेवरिंग आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑर्डर का केक नहीं है। अगर आपको फ्लेवरिंग सीखना है, कसाटा का फ्लेवरिंग, ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवरिंग, फिर पाइनएप्पल का फ्लेवरिंग, मिक्स फ्रूट का और मैंगो का, सभी के फ्लेवरिंग के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने पूरी की पूरी केक आपको सिखाई है। जब भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं ना तो मैं इस तरह से लाइव आके आपको सिखाती हूँ कि मैं मेरे फ्लेवर्स को किस तरह से मेरे केक में डालती हूँ। तो सारे के सारे मैंने केक्स के वीडियो बना के डाले हैं, आप वहाँ पे एक बार जाके प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक वाला मैं वनीला केक बना रही हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला। आप देख सकते हैं कितना लेयर मैंने डाला है, जितना स्पंज था उससे भी काफ़ी मोटा, मतलब काफ़ी कम लेयर मैंने डाला है केक क्रीम का, ठीक है? चलिए बातों बातों में ये वाला भी हो गया है रेडी। व्हाट इज द रेड कलर, लव वॉशिंग किचन में।
सके उतना क्रीम आप संभाल के डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो फिर आपके और बेकरी स्टाइल केक में कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं हो सके उतने केक को फ्लेवरफुल बनाती हूँ। मेरे केक्स जो होते हैं ना वो फ्लेवरफुल ज़्यादा होते हैं। आज वाला केक तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे किसी को नहीं देना है। और अगर मुझे वनीला केक का ऑर्डर आता भी है ना, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ सामने से, भाई कोई फ्लेवर वाला मांगो ना, वनीला में आपको क्या मिलेगा, क्रीम खाने को मिलेगा और केक उसमें आपको क्या मिलेगा खाने के लिए, तो फिर वो लोग अपना फ्लेवर चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर का फ्लेवर ये डाल दिया है, अभी तक मैंने इसके ऊपर पानी नहीं डाला है, मैं पहले साइड क्रम कर लेती हूँ, उसके बाद उस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी। ठीक है, और हमारे जो लेयर्स है बहुत अच्छे से कटे हैं, इक्वली कटे हैं और बहुत अच्छा हाइट आया है एंड नाइसली इट हैज़ गॉट असेंबल्ड ऑल्सो। देखा आपने, नाउ आई विल जस्ट सोक माई टॉप लेयर लिटिल बिट। देखिए टोटल में से इतना, मतलब हार्डली 15 to 20 ml भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बहुत कम डाला है। अब ऊपर के लेयर को मैं सिर्फ थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि ये इसको क्रम कोटिंग कर सके। अब आज क्रम कोटिंग करने के बाद मेरे पास रेस्टिंग का टाइम नहीं है केक को रेस्ट देने का, क्योंकि हम डायरेक्टली आज केक डिज़ाइन सीख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायल बेस की केक है मेरी। लेकिन आपको कभी भी क्रम कोट करे बगैर बाहर की फ्रॉस्टिंग मत करें, ओके, आपकी केक ख़राब हो जाएगी अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो। ओके, ये देखिए कितने अच्छे से हमने क्रीम सारे लेयर्स लगा दी, एकदम लेवल डाई है केक और एकदम अच्छे से केक हमारी हो चुकी है रेडी। मस्ट बी समवेयर अराउंड द केक। कोई नहीं, नाउ बाहर का जो लेयर करना है ना, अगर आप नए नए हो, मतलब न्यूबी हो, आपको अगर आइडिया नहीं है कि किस तरह से लेयरिंग ठीक से, ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से अच्छे से क्रीम लगाए, तो एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ आपको, ताकि आपकी क्रीम जो है ना इवनली स्प्रेड होगी और ज़्यादा इधर उधर भागेगी भी नहीं। ठीक है, आपको यूज़ करना है एक पाइपिंग बैग, अभी मैंगो का सीजन जाने को है, तो अगर मैंगो का केक नहीं बनाया है तो मेरे चैनल पे आई थिंक 2 केक्स ऐसे हैं जो मैंने मैंगो फ्लेवर में सिखाए हैं डिज़ाइन के साथ, आप उसे सीख सकते हैं। अब आगे का आप जितना मोटा काटोगे ना उतना आपका केक का लेयर थिक बनेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है। बहुत मोटा काट दोगे तो आपका केक का लेयर उतना मोटा बनेगा, तो आपको कितना पतला और कितना मोटा चाहिए उसके हिसाब से आपको आगे का ये पोर्शन काटना है। मैंने इतना सा काटा है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल कर दी, टेढ़ा रखा है। अब आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका है, टर्न टेबल को घुमाना है और आपके हाथ को एक ही पोजीशन पे रखना है। कोई बात नहीं, अगर बीच बीच में छूटा है तो बाद में उसे आप कर दीजिएगा। दिख रहा है सबको? अच्छा, इसको हमें क्या मैं भूल गई, कलर करना था, कोई बात नहीं, ये कर दिया है, कलर हम थोड़ा सा बाद में लगा देंगे। ओके, कलर थोड़ा सा बाद में, बेटा यहाँ होती राइट, ये कर दिया हमने। नाउ टेक योर पैलेट नाइफ और उसे दबाना है, अभी तो आपके गोले गोले से बने हैं ना, उसको दबा के आपको फ्लैट करना है। फ्लैट कर से क्या होगा कि आपके अंदर जो अगर बबल गए हैं तो वो सारे बर्स्ट हो जाएंगे। राइट, और ऊपर के उसमें क्या करना है, हमेशा बीच से आपको आपके पैलेट को पैलेट नाइफ को दबाए रखना है और टर्न टेबल घुमाना है। देखिए शार्प एज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा दिखे। मैं भूल गई हूँ, लेकिन आपको पहले से कलर डाल देना था, लेकिन अभी हम इसको अभी डाल देंगे, कोई बात नहीं।
थोड़ा पीच कलर ले रही हूँ। मैंने क्या किया, पीच कलर को इस तरह से पैलेट नाइफ पे डाला है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे घुमा रही हूँ। ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू कवर द फुल थिंग। अब इक्वल कलर तो सब जगह नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा जहाँ ही दिखेगा उसका अच्छे से। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा कलर अब आ गया है इसके ऊपर। एक्स्ट्रा कलर आपको निकाल देंगे। नाउ फॉर द शार्प एजेस ना, बहुत सारे इस तरह के टूल्स आते हैं शार्प एजेस के लिए। आपको अगर ऐसे वाले टूल्स के साथ आप कंफर्टेबल हो तो ऐसा वाला ले लीजिए जो स्क्रेपर आता है स्टील का। मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद है। ये दो सेट्स में आते हैं, एक सेम ही साइज़ है लेकिन एक है बिल्कुल सॉफ्ट और एक है थोड़ा सा स्टिफ। तो मुझे स्टिफ वाला ज़्यादा पसंद है। आपको जिससे भी कंफर्टेबल हो वो वाला यूज़ कीजिए। ये कोने वाला आपको यूज़ करना है, ये राउंड वाला यूज़ नहीं करना है। ठीक है, राउंड वाला यूज़ करोगे तो आपका केक में शार्प एजेस यहाँ पे अभी नहीं आएगा। वी नीड दिस कॉर्नर फॉर द शार्प एजेस। अभी आपको एक एंगल पे उसे पकड़ना है। देखिए, इसको केक की तरफ दबाना है और फिर घुमाना है आपके टर्न टेबल को। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस उतना जल्दी आपका शार्प एज बन के आएगा। ऑलराइट, अब ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये मेरा बिल्कुल साफ है। ऊपर जो हमारा ऊपर नीचे हुआ है ना, बस उसको हमें लेवल करना है और एक्स्ट्रा निकालना है। लेवल करो, एक्स्ट्रा निकालो, लेवल करो, एक्स्ट्रा निकालो, बस हो गया। ठीक है, कितने कम टाइम में हमने क्रीम बना के रेडी कर ली ऊपर की क्रीम। राइट, देखिए नीचे अभी बिल्कुल अच्छा हुआ है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा बाकी है, मैं ऊपर से लेवल कर दी। और जैसा मैंने बोला था ना, हम एक नॉर्मल सा टूल यूज़ करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जो सभी के घर में होता है, और एक अच्छे से डिज़ाइन बना देंगे। दादा विल गिव मी नोजल बॉक्स प्लीज। ओके, आप देखिए हमारा सब जगह से अच्छे से शार्प एज आ गया। कहीं पे भी आपको बबल्स नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा है क्रीम का, और ऊपर का भी अच्छे से फ्लैट हो गया है। ठीक है, साइड का जो साफ करने का है ना। और एक चीज़ आपने नोटिस करी, मैं मेरी केक हमेशा केक बोर्ड पे बनाती हूँ, क्योंकि केक बोर्ड पे बनाना बहुत आसान है। मतलब आपका साफ सफाई का काम बहुत कम हो जाता है। आप डायरेक्टली केक बोर्ड पे बनाते हो ना, तो ये बार बार आपको ये जो आपका टर्न टेबल है वो ख़राब भी नहीं होगा, उसके ऊपर ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगेगी, और उठाने के टाइम पे जो नए नए बेकर्स होते हैं ना, उनको दिक्कत आती है। केक बना तो देते हैं यहाँ पर, लेकिन आपने उसको पानी से सोक किया है, फिर उसके ऊपर फिलिंग डाला है ना, शाम टाइम के कुछ उसके ऊपर फिलिंग डाला है, तो वो हैवी हो रहा है। अब ऐसे में सेट करे बगैर अगर आप उसको मूव करोगे तो हो सकता है ज़्यादा सोकिंग की वजह से या फिर ज़्यादा हैवीनेस की वजह से आपका केक बिखर जाए, और आपको प्रैक्टिस भी नहीं है। अगर आप नए नए बेकर हैं तो आपको प्रैक्टिस भी कम है, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पकड़ने जाओ और केक ये घूम जाए और केक इधर उधर हो जाए। तो सबसे बेस्ट है केक बोर्ड के ऊपर हमेशा आपके केक बनाइए। बहुत ईजी है, इसको उठा के आपको रखना भी ईजी है। अगर आपका केक कहीं से लग रहा है कि अरे अभी उसको सेट होना बाकी है या फिर बिखर रहा है, फटाक से पहले जाके रख के आइए फ्रिज में, सेट हो जाए, फिर उसको आप जो करना है वो ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा टूल लिया है इस तरह का, ये है ब्रश, सिलिकॉन ब्रश होता है, इसे पेस्ट्री ब्रश भी कहते हैं। बस उसी की मदद से हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मुझे क्या है ना, ऐसे जो रेनबो शेप होते हैं ना, ऐसा वाला, ऐसा गोल वाला घुमा वाला नहीं,
करना है आज, मैं वो तो सब लोग करते ही है, मुझे इस तरह की डिज़ाइन चाहिए, ऐसे ऐसे। मेरा हाथ का मूवमेंट आप देख रहे हो ना, मैं रेनबो कैसा होता है वैसी वाली एक डिज़ाइन ऐसे ही दे रही हूँ। मुझे बस ऐसा मन किया कि आज वो नॉर्मल वाला नहीं करना है, ये नहीं दिखेगा आपको। और साइड में हम क्या करेंगे, ऐसा वाला मैं घुमा के नहीं कर रही हूँ, साइड के लिए मैं ऐसे खड़ा वाला डिज़ाइन ले रही हूँ, कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब साइड में जो है ना उसको मैं थोड़ा राउंडेड शेप दे देती हूँ ताकि वो अच्छा सा फिनिशिंग दिखे। देखिए आपको डिज़ाइन दिख रही है साइड पे, शायद लाइट कलर की वजह से नहीं दिख रही होगी, बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी गुड। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें रोजलेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर लूँगी। तो ये हमने लिया है लाइट पीच कलर, तो पीच के साथ डार्क डार्क इन द सेंस पिंक अच्छा जाएगा, क्या बोलते हो, पिंक कलर। पिंक कलर लेके देखते हैं, ठीक है। एक पाइपिंग बैग ले लेते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है इसमें मैं डालती हूँ, चलो इसमें डालती हूँ। ऐसे भी ये क्रीम मुझे अभी प्रैक्टिस के लिए ही बचाना है। आपका क्रीम अभी कभी बच जाता है ना, तो डोंट जस्ट लीव इट इन योर क्रीम और इन योर फ्रिज, उससे आप प्रैक्टिस करा करें, या तो आप प्रैक्टिस करें। ये मैं पीच और पिंक दो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है क्या बनेगा, बट मुझे पिंक से थोड़ा, पीच से थोड़ा डार्क शेड चाहिए। मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा सोचा नहीं है डिज़ाइन का, मैं ऐसे ही उसके ट्राई कर रही हूँ अपने आप। पिंक और शेड ये थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ शेड। इस तरह का शेड है, ठीक है। और एक ड्रॉप में रेड डालती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क शेड चाहिए, या फिर एक ड्रॉप डार्क पिंक डाल। अभी अच्छा है, देखिए ये वाला शेड, ये वाला, ठीक है, नाइस। नाउ मैं क्या कर रही हूँ ना, रोजेट का नोजल ले रही हूँ, रोजेट शेप ये वाला, इसे कहते हैं रोजेट, ठीक है। ये ओपन स्टार नोजल जैसा आता है ना, इस पर क्या लिखा है, एक तो है ना इसके ऊपर एंग्रेविंग किया होता है, मुझे दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन R11 या कुछ होता है ना वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा ही क्रीम ले रही हूँ। ओके, देखिए ये जब भी आप काटो ना, तो यहाँ के इसके जो कट्स है ना उसके पीछे आपका प्लास्टिक रहना चाहिए। अगर आपका प्लास्टिक यहाँ तक ऐसे रखोगे ना कि जैसे कि इसके जो कट्स है वो भी कवर अप हो जाते हैं, तो आपका डिज़ाइन नहीं निकलेगा अच्छे से। डिज़ाइन को अच्छे से निकालने के लिए आपको ये कट के पीछे तक काटना है, ताकि आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन अच्छे से निकल पाए, ठीक है। दो या चार ही रोजेट बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनानी। अब हमने क्या किया था, इस तरह के हमने ये स्वर्ल्स काटे थे ना, तो उसी डिज़ाइन के ऊपर मैं इस तरह के रोजेट्स बना रही हूँ। इसको निकालना है और घुमाना है, देखिए रोज दिख रहा है, एकदम मस्त बेबी पिंक कलर आया है। फिर से हमें इसको निकालना है और घुमाना है, फिर से निकालना है, घुमाना। मैं सिर्फ एक ही साइड पे करूँगी, और जो बीच में गैप बचेगा ना वहाँ पे सिर्फ दबा के उठा लो, दबा के उठा लो। ठीक है, प्रिटी। देखिए
हमने कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं की, देखिए हमने कुछ भी नहीं की। अब इसको और ज़्यादा प्रिटी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी ना, एक और पाइपिंग बैग ले रही हूँ, और ये जो क्रीम है ना, मैं इसमें थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे छोटे छोटे डॉट्स चाहिए, लेकिन इस क्रीम को मैं थोड़ा सा मल रही हूँ ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। नाउ आगे से बिल्कुल छोटा सा डॉट करना है हमें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डॉट करना है। और मैंने क्रीम को मल लिया था, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। बस अभी हमें क्या करना है, इस तरह के जो शेप थे ना उसी डायरेक्शन में आपको उसे डॉट्स बनाने हैं। एक सेकंड, पता नहीं है ठीक से। थोड़ा सा और डार्क होता तो भी अच्छा लगता। ठीक है, देखिए इसके साइड में मैंने किया है, अब जो बॉर्डर बनी है ना उसमें हम डॉट्स बना देंगे, मतलब पर्ल्स जैसा इफेक्ट देखेगा इसका। एकदम नॉर्मल सा केक हमने रेडी कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल से डिज़ाइन के साथ। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी ऑर्डर्स लेने हैं ना, तो इस तरह के छोटे छोटे नॉर्मल और इजी वाले डिज़ाइन से शुरू कीजिए, घर के लिए बनाइए, किसी को गिफ्ट दीजिए, आस पड़ोस में खिलाइए, आपके फ्रेंड्स वगैरह की जब पार्टी होती है तब आप बनाइए। मैंने केक बेकिंग कैसे सीखा था पता है, मैं ना मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स के बर्थडे एनिवर्सरी सब कुछ मुझे याद रहता है, तो मैं ना उनके बोले बगैर ही केक बना देती थी। और कैसे केक, जो मुझे सीखने होते हैं, मतलब कि बहुत बार होता है ना नई डिज़ाइन की ट्रेंड की डिज़ाइन आई है लेकिन कोई ऑर्डर देगा तो मैं सीखूंगी, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि नई डिज़ाइन आई है लेकिन मैं ट्राई कैसे करूँ, मुझे अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया है। तो डोंट डू दैट, आपको ऑर्डर आए ना आए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करती थी, जब मैं केक बनाना सीख रही थी ना उस टाइम पे, मैं मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स के, मुझे ये बहुत अच्छी टिप है जो नए बेकर्स हैं ना उनके लिए, तो क्या करना है आपको, डोंट वेट फॉर एनी ऑर्डर। आपके फैमिली के जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं ना उनमें, मैं ये क्या कर रही हूँ, गोल्डन डस्ट ले रही हूँ, मेरे पास है। तो सेलिब्रेशन को आपको याद रखना है, और जब भी किसी का सेलिब्रेशन आए आपको जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनानी है ना वो उस पर ट्राई कर दीजिए, आपको जो फ्लेवर ट्राई करना है वो उसमें डाल दीजिए। तो आपको क्या होगा, एक तो किसी के लिए आप फ्री बना रहे हो, राइट, तो कोई कुछ भी कहेगा नहीं। अगर आपका फेलियर भी हुआ है तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और जिसको भी केक मिलेगा वो बंदा खुश भी होगा, और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाओगे ना, किसी ऐरे गेरे के लिए तो बना नहीं रहे हैं, तो आपका एक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा आपके घर में कि भाई हमको याद करके आज वो केक लेके आई, आपने तो किसी का ऑर्डर लिया नहीं था, किसी ने आपको बोला नहीं था। अब मेरे पास ये ब्रश है ना, मैंने इसके अंदर इवापोरेक्स डाला है। इवापोरेक्स क्या होता है, एक लिक्विड स्पिरिट होता है जो उड़ जाता है, मतलब कि इसमें डालने के बाद ये डस्ट को, जो हमारी गोल्डन डस्ट होती है उसे डायल्यूट करता है, फिर बाद में तो वो उड़ जाता है, लेकिन वो लिक्विडाइज करने के लिए इवापोरेक्स होता है, उसे मैंने ब्रश में लिया है, और जो पेटल्स है ना उसके ऊपर ऊपर। अच्छा, अभी मेरा फ़ोन भी जाने को है, डेड होने को आया है, तो फटाफट से बिफोर इट गोज डेड मैं आपको ख़त्म कर देती हूँ डिज़ाइन। चलिए मैं भी थक गई हूँ थोड़ा सा, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने भी पहली बार कुछ नया ट्राई किया। देखिए जब भी ट्राई करना होता है ना, नेवर गेट स्केयर्ड, मतलब होती है थोड़ी डर, लेकिन ट्राई करने से ही तो पता चलेगा कि ये चीज़ होती है कि नहीं। देखिए अब मुझे भी ट्राई करना था कि केक तुरंत का तुरंत तो कैसे बनेगा, बन तो रहा है, बट आई विल नॉट गिव इट टू एनी बडी, पहले मैं उसको सेट होने दूंगी फ्रिज में, उसके बाद हम इसे खाएंगे, ठीक है। अब ब्रश को सिर्फ मैं क्रीम के ऊपर बहुत हल्के हाथों से लगा रही हूँ, अदरवाइज आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी।
मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। ओके ओके, अब ये जो छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए थे ना उसके ऊपर हम पॉल्स रख देंगे, गोल्डन वाले पॉल्स। ये देखिए बातों बातों में हमने एक डिजाइन बना के रेडी कर ली। अब हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसके ऊपर चाहे तो हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी एनिवर्सरी का, जो चाहे वो टॉपर लगा सकते हैं। आपको गोल्डन टिंट दिख रहा है, गोल्डन डिजाइन दिख रही है, कैन यू सी? मैं इसका फोटो कम्युनिटी पे डाल दूंगी बाद में। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं ट्राई करती हूँ दिखाने का। जस्ट सेकेंड, दिख रहा है क्या? ओके चलिए, तो मुझे लगता है कि हमने बना दिया है अच्छा सा केक। ओके अभी क्या है ना, मैं भी नई नई फ़ोन वगैरह के साथ अभी सूट कर रही हूँ सूटेबल होने का, इसलिए मुझे भी टाइम लग रहा है सेटिंग करने में। ये देखिए साइड में हमने जो डिज़ाइन बनाई खड़ी वाली वो ऐसी दिख रही है। ओके ऊपर में जो बनाई वो ऐसे दिख रही है, और हमने जो गोल्डन ये डस्ट लगाई ना वो ऐसे दिख रही है। ठीक है चलिए, तो फिर आज का सेशन आई होप कि अच्छा होगा। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है, थोड़ी सी तैयारी कम थी आई नो दैट, लेकिन एंड रिजल्ट इज़ गुड एनीवेज बाय द वे। और मिलते हैं कल किसी और रेसिपी के साथ, मेरा अभी तक फिक्स नहीं है। मैं शायद तो मफिन की रेसिपी बनाने वाली थी, लेकिन आई विल लेट यू नो। अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन किया है तो कम्युनिटी पे आपको मैसेज और ये फोटो दोनों आ जाएगा। ओके थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।